Hello everyone, welcome back to my channel and thanks for watching my video. So guys, in this video I explain Bollywood movie Josh. जी guys, शाहरुख खान की और ऐश्वर्या राय की मूवी है जो 2000 की एक एक्शन रोमानी फिल्म है जिसके हदायत कर रही है उसकी शरा तरीकी मंसूर खान ने की है। फिल्म में शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, चंदन चोर सिंह और कपूर मरकजी किरदार में है। हिंदी जुबान की फिल्म कभी कभी कभार को कारी के साथ मरतब की गई थी और इसे गोया में फरमाया गया था। ये फिल्म गोया में जायद गैर मनातिस सदूदों के पस मंजर के दरमियान सन 1980 में तरतीब दी गई थी। इस फिल्म में हदायतकार मंसूर खान की 5 साल की वक्फे के बाद वापसी हुई है। इसको मंसूर खान की कहानी पर बम्बनी नजरावान और आतिश कपड़ावान ने लिखा है। नीज वोरा मंसूर खान के स्क्रीन प्लेयर और के मुकालबों के साथ इस फिल्म को गणेश जे रतन जैन और बलोनित सिंह ने प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म 9 जून 2000 को रिलीज हुई थी और इसे मुतहदा 7 तख्लीका खान ने तकसीम किया था। फिल्म के मजमूई तौर पर 35 करोड़ रुपये 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जो हिंदुस्तान में 2000 में सबसे ज्यादा कमाने वाली 5वीं फिल्म थी। इस फिल्म के 1961 में आने वाले फिल्म साइड स्टूडियो से मुतासर होकर कुछ प्लॉट पॉजिटिव थे। जी गाइस, ये था जोश मूवी के बारे में कुछ खुलासा जो मैंने आपसे पेश किया। और वीडियो के अफेक्ट और रिव्यू को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से वही पुरानी सीख रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। जी गाइस, मैं इसमें आपको वीडियो मूवी तो नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको छोटा सा उसका ट्रेलर बताता हूँ कि आपको पता चल जाए कि कौन सी मूवी है और कौन सी नहीं, क्योंकि ये पुरानी मूवी है, 20 साल पहले की मूवी है और उसके बारे में मैं आपसे कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ इफेक्ट, कुछ अनोन फैक्ट और कुछ पब्लिक रिव्यू शेयर करता हूँ। तो अगर आपको भी किसी अगर आपको भी किसी वीडियो के बारे में कुछ किसी मूवी के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ उस वीडियो का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें ताकि मैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपसे बता सकूं। तो चलते हैं मूवी के अगले मरले की तरफ, जो है प्रोडक्शंस की बात कर लेते हैं हम। हदायतकारी मंसूर खान इब्तदाई तौर पर मेक दास के किरदार के लिए सलमान खान पर गौर कर रहे थे, लेकिन चीज़ों का नतीजा नहीं निकला क्योंकि वो अदाकार को डिपिक्ट कर रहे थे और उन्होंने मुस्तकबिल में किसी लड़ाई झगड़े और करियर की तबाही से बचने के लिए शाहरुख खान पर दस्तखत कर दिए। मंसूर खान ने इंकशाफ किया था कि वो अपनी फिल्म जोश के लिए शाहरुख खान और आमिर खान को साथ लाने के वहाँ थे, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से इस फिल्म को मुस्तखित कर दिया गया। आमिर खान को बज़ाहरा रोहित शर्मा की किरदार की पेशकश की गई थी। मंसूर खान ने नामा नगारों को बताया आमिर खान शबीहा को तब्दील करना चाहते थे और वो अब प्रेमी लड़के या रोमांटिक हीरो रॉय शर्मा का अदा नहीं करना चाहते थे। मंसूर खान ने इब्तदा में काजल को शिरकी डांस अदा करना चाहते थे, लेकिन अदाकार ने इस पेशकश को मुस्तकित कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी और शाहरुख खान की जोड़ी दोबारा बन जाए। फिल्म में माइकल का किरदार अदा करने वाले अदाकार बोनिट वाशर ने इसके बाद ही दावा किया था कि उनके स्क्रिप्ट के साथ साथ अदाकार ऐश्वर्या राय, शेख कपूर और चंद्रचंद सिंह की एक्टिंग रोम में भी कमी कर दी गई थी और वाशर ने दावा किया था कि इसने तकरीबन 50% मनाजा ख़त्म हो गए थे। म्यूज़िक की बात कर लेते हैं। AR रहमान को पहले म्यूज़िक कैंपस की हैसियत से साइन इन किया गया था, लेकिन दूसरी फिल्म के साथ शेड्यूल के मुताबिक तनाजात की वजह से उन्होंने इस इंतखाब को छोड़ दिया।
रहमान ने इंतखाब से दस्तरबादार होने के बाद मंजूर खान और अनवर मलिक से मौसीकी के तेज़ रफ्तार मुकम्मल करने और फिल्म को वक्त पर रिलीज करने के लिए रवाना हुए। हिंदुस्तान तजारती वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक तकरीबन 18 करोड़ यूनिट फरोख्त होने के बाद फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम साल 2000 सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाला था। ये मेरा दिल गाना पीटर और गैरी के लिखे हुए सेल बॉन चौहान पर मबनी है और गैप्सिकन ने पेश किया था डोबी किया गया था। जी गाइस, मैंने आपको इस के बारे में वीडियो के बारे में बताया और म्यूज़िक के प्रोडक्शन के और इसकी कुछ अहम फैक्ट भी बताए कि किस किसको वो कास्ट करना चाहते थे और किसको वो नहीं कर पाए और क्या सोच थी डायरेक्टर की इस मूवी को बनाने के लिए, वो किस किस को इस मूवी में लेना चाहते थे लेकिन किस किस वजूहत से वो नहीं ले पाए। अब इस मूवी में टोटल 8 गाने हैं। अपुन बोला है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, मेरे ख्यालों की मलका, जिंदा है हम तो, है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, सालीरे सालीरे। जी गाइस, ये समीर अंजुम ने ज़्यादातर इसके गाने सिंग किए थे और इसने जितना बॉक्स ऑफिस पे धमाल डाली थी उसके बारे में आपसे मैं बता चुका हूँ। और मज़ीद आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट बुरानी सी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। और जो दोस्त मेरे चैनल पे पहले से नए हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली, थैंक फॉर सपोर्टिंग मी। आपके ही सपोर्ट से मैं आज यहाँ हूँ और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन। और चलते हैं मज़ीद वीडियो के बारे में और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसकी फैक्ट, मज़ीद अननोन फैक्ट और पब्लिक रिव्यू भी जानते हैं। गणेश जे रतन जैन और बलोनित सिंह ने प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म 9 जून 2000 को रिलीज़ हुई थी और इसे मुतहदा 7 तख्लीका खाने तकसीम किया था। फिल्म के मजमूई तौर पर 35 करोड़ रुपए 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जो हिंदुस्तान में 2000 में सबसे ज़्यादा कमाने वाली पांचवी फिल्म थी। इस फिल्म के 1961 में आने वाले फिल्म साइड स्टूडियो से मुतासर होकर कुछ प्लॉट पॉजिटिव थे। जी गाइस, ये था जोश मूवी के बारे में कुछ खुलासा जो मैंने आपसे पेश किया। और वीडियो के अफेक्ट और रिव्यू को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से वही पुरानी सीख रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। जी गाइस, मैं इसमें आपको वीडियो मूवी तो नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको छोटा सा उसका ट्रेलर बताता हूँ कि आपको पता चल जाए कि कौन सी मूवी है और कौन सी नहीं, क्योंकि ये पुरानी मूवी है, 20 साल पहले की मूवी है और उसके बारे में मैं आपसे कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ इफेक्ट, कुछ अनोन फैक्ट और कुछ पब्लिक रिव्यू शेयर करता हूँ। तो अगर आपको भी किसी अगर आपको भी किसी वीडियो के बारे में कुछ किसी मूवी के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ उस वीडियो का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें ताकि मैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपसे बता सकूं। तो चलते हैं मूवी के अगले मरले की तरफ जो है प्रोडक्शंस की बात कर लेते हैं हम। हदायतकारी मंसूर खान इब्तदाई तौर पर मेक दास के किरदार के लिए सलमान खान पर गौर कर रहे थे लेकिन चीज़ों का नतीजा नहीं निकला क्योंकि वो अदाकार को डिपिक्ट कर रहे थे और उन्होंने मुस्तकबिल में किसी लड़ाई झगड़े और करियर की तबाही से बचने के लिए शाहरुख खान पर दस्तखत कर दिए। मंसूर खान ने इंकशाफ किया था कि वो अपनी फिल्म जोश के लिए शाहरुख खान और आमिर खान को साथ लाने के ख्वाह थे लेकिन
कुछ वजूहात की वजह से इस फिल्म को मुस्तखित कर दिया गया। आमिर खान को बज़ाहरा रोहित शर्मा की किरदार की पेशकश की गई थी। मंजूर खान ने नामा नगारों को बताया आमिर खान शबीहा को तब्दील करना चाहते थे और वो अब प्रेमी लड़के या रोमांटिक हीरो रॉय शर्मा का अदा नहीं करना चाहते थे। मंसूर खान ने इब्तदा में काजल को शेर की डांस अदा करना चाहते थे, लेकिन अदाकार ने इस पेशकश को मुस्तकित कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी और शाहरुख खान की जोड़ी दोबारा बन जाए। फिल्म में माइकल का किरदार अदा करने वाले अदाकार बोनिट वाशर ने इसके बाद ही दावा किया था कि उनके स्क्रिप्ट के साथ साथ अदाकार ऐश्वर्या राय, शेख कपूर और चंद्रचंद सिंह की एक्टिंग रोम में भी कमी कर दी गई थी और वाशर ने दावा किया था कि इसने तकरीबन 50% मनाजा ख़त्म हो गए थे। म्यूज़िक की बात कर लेते हैं। एआर रहमान को पहले म्यूज़िक कैंपस की हैसियत से साइन इन किया गया था, लेकिन दूसरी फिल्म के साथ शेड्यूल के मुताबिक तनाजात की वजह से उन्होंने इस इंतखाबात को छोड़ दिया है। रहमान ने इंतखाब से दस्तबरदार होने के बाद मंजूर खान और अनवर मलिक से मौसीकी के तेज रफ्तार मुकम्मल करने और फिल्म को वक्त पर रिलीज करने के लिए रो रवाना हुए। हिंदुस्तान तजारती वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक तकरीबन 18 करोड़ यूनिट फरोख्त होने के बाद फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम साल 2000 सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला था। ये मेरा दिल गाना पीटर और गैरी के लिखे हुए सील बॉन चहान पर मबनी है और गैप्सिकन ने पेश किया था, डोबी किया गया था। जी गाइस, मैंने आपको इस के बारे में वीडियो के बारे में बताया और म्यूज़िक के प्रोडक्शन की और इसकी कुछ अहम फैक्ट भी बताए कि किस किसको वो कास्ट करना चाहते थे और किसको वो नहीं कर पाए और क्या सोच थी डायरेक्टर की इस मूवी को बनाने के लिए, वो किस किस को इस मूवी में लेना चाहते थे लेकिन किस किस वजूहात से वो नहीं ले पाए। अब इस मूवी में टोटल 8 गाने हैं। अपुन बोला है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, मेरे ख्यालों की मलका, जिंदा है हम तो, है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, साली रे साली रे। ठीक है, ये समीर अंजुम ने ज़्यादातर इसके गाने सिंग किए थे और इसने जितना बॉक्स ऑफिस पे धमाल डाली थी उसके बारे में आपसे मैं बता चुका हूँ। और मज़ीद आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट बोलानी सी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। और जो दोस्त मेरे चैनल पे पहले से नए हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली, थैंक फॉर सपोर्टिंग मी। आपके ही सपोर्ट से मैं आज यहाँ हूँ और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन। और चलते हैं मज़ीद वीडियो के बारे में और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसकी फैक्ट मज़ीद अननोन तक। गणेश जे, रतन जैन और बलोनित सिंह ने प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म 9 जून 2000 को रिलीज़ हुई थी और इसे मुतहद्दा 7 तख्लीका खाने तकसीम किया था। फिल्म के मजमूई तौर पर 35 करोड़ रुपए 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जो हिंदुस्तान में 2000 में सबसे ज़्यादा कमाने वाली पांचवी फिल्म थी। इस फिल्म के 1961 में आने वाले फिल्म साइड स्टूडियो से मुतासर होकर कुछ प्लॉट पॉजिटिव थे। जी गाइस, ये था जोश मूवी के बारे में कुछ खुलासा जो मैंने आपसे पेश किया। और वीडियो के अफेक्ट और रिव्यू को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से वही पुरानी सीख रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। जी गाइस, मैं इसमें आपको वीडियो मूवी तो नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको छोटा सा उसका ट्रेलर बताता हूँ कि आपको पता चल जाए कि कौन सी मूवी है और कौन सी नहीं, क्योंकि ये पुरानी मूवी है, 20 साल पहले की मूवी है
और उसके बारे में मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ फैक्ट, कुछ अनोन फैक्ट और कुछ पब्लिक रिव्यू शेयर करता हूँ। तो अगर आपको भी किसी अगर आपको भी किसी वीडियो के बारे में कुछ किसी मूवी के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ उस वीडियो का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें ताकि मैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपसे बता सकूं। तो चलते हैं मूवी के अगले मरले की तरफ, जो है प्रोडक्शंस की बात कर लेते हैं हम। हदायतकारी मंसूर खान इब्तदाई तौर पर मेक दास के किरदार के लिए सलमान खान पर गौर कर रहे थे, लेकिन चीज़ों का नतीजा नहीं निकला क्योंकि वो अदाकार को डिपिक्ट कर रहे थे और उन्होंने मुस्तकबिल में किसी लड़ाई झगड़े और करियर की तबाही से बचने के लिए शाहरुख खान पर दस्तखत कर दिए। मंसूर खान ने इंकशाफ किया था कि वो अपनी फिल्म जोश के लिए शाहरुख खान और आमिर खान को साथ लाने के हुआ थे, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से इस फिल्म को मुस्तखित कर दिया गया। आमिर खान को बज़ाहरा रोहित शर्मा की किरदार की पेशकश की गई थी। मंसूर खान ने नामा नगारों को बताया आमिर खान शबीहा को तब्दील करना चाहते थे और वो अब प्रेमी लड़के या रोमांटिक हीरो रॉय शर्मा का अदा नहीं करना चाहते थे। मंसूर खान ने इब्तदा में काजल को शेर की डांस अदा करना चाहते थे, लेकिन अदाकार ने इस पेशकश को मुस्तकित कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी और शाहरुख खान की जोड़ी दोबारा बन जाए। फिल्म में माइकल का किरदार अदा करने वाले अदाकार बोनिट वाशर ने इसके बाद ही दावा किया था कि उनके स्क्रिप्ट के साथ साथ अदाकार ऐश्वर्या राय, शेख कपूर और चंद्रचंद सिंह की एक्टिंग रोम में भी कमी कर दी गई थी और वाशर ने दावा किया था कि इसने तकरीबन 50% मनाजा ख़त्म हो गए थे। म्यूज़िक की बात कर लेते हैं। ए आर रहमान को पहले म्यूज़िक कैंपस की हैसियत से साइन इन किया गया था, लेकिन दूसरी फिल्म के साथ शेड्यूल के मुताबिक तनाजात की वजह से उन्होंने इस इंतखाबात को छोड़ दिया है। रहमान ने इंतखाब से दस्तरबादार होने के बाद मंजूर खान और अनु मलिक से मौसीकी के तेज़ रफ्तार मुकम्मल करने और फिल्म को वक्त पर रिलीज़ करने के लिए रवाना हुए। हिंदुस्तान तजारती वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक तकरीबन 18 करोड़ यूनिट फरोख्त होने के बाद फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम साल 2000 सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाला था। ये मेरा दिल गाना पीटर और गैरी के लिखे हुए सेल बॉन चहान पर मबनी है और गैप्सिक ने पेश किया था, डोबी किया गया था। जी गाइस, मैंने आपको इस के बारे में वीडियो के बारे में बताया और म्यूज़िक के प्रोडक्शन की और इसकी कुछ अहम फैक्ट भी बताए कि किस किसको वो कास्ट करना चाहते थे और किसको वो नहीं कर पाए और क्या सोच थी डायरेक्टर की इस मूवी को बनाने के लिए, वो किस किस को इस मूवी में लेना चाहते थे लेकिन किस किस वजूहात से वो नहीं ले पाए। अब इस मूवी में टोटल 8 गाने हैं। अपुन बोला है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, मेरे ख्यालों की मलका, जिंदा है हम तो है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, साली रे साली रे। जी गाइस, ये समीर अंजुम ने ज़्यादातर इसके गाने सिंग किए थे और इसने जितना बॉक्स ऑफिस पे धमाल डाली थी उसके बारे में आपसे मैं बता चुका हूँ। और मज़ीद आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट पुरानी सी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। और जो दोस्त मेरे चैनल पे पहले से नए हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली, थैंक फॉर सपोर्टिंग मी। आपके ही सपोर्ट से मैं आज यहाँ हूँ और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन। और चलते हैं मज़ीद वीडियो के बारे में और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसकी फैक्ट, मज़ीद अननोन फैक्ट और पब्लिक रिव्यू भी जानते हैं।
गणेश जे रतन जैन और बलोनित सिंह ने प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म 9 जून 2000 को रिलीज हुई थी और इसे मुतहदा 7 तख्लीका खाने तकसीम किया था। फिल्म के मजमूई तौर पर 35 करोड़ रुपए 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जो हिंदुस्तान में 2000 में सबसे ज़्यादा कमाने वाली पांचवी फिल्म थी। इस फिल्म के 1961 में आने वाले फिल्म साइड स्टूडियो से मुतासर होकर कुछ प्लॉट पॉजिटिव थे। जी गाइस, ये था जोश मूवी के बारे में कुछ खुलासा जो मैंने आपसे पेश किया। और वीडियो के अफेक्ट और रिव्यू को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से वही पुरानी सीख रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। जी गाइस, मैं इसमें आपको वीडियो मूवी तो नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको छोटा सा उसका ट्रेलर बताता हूँ कि आपको पता चल जाए कि कौन सी मूवी है और कौन सी नहीं, क्योंकि ये पुरानी मूवी है, 20 साल पहले की मूवी है और उसके बारे में मैं आपसे कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ इफेक्ट, कुछ अनोन फैक्ट और कुछ पब्लिक रिव्यू शेयर करता हूँ। तो अगर आपको भी किसी अगर आपको भी किसी वीडियो के बारे में कुछ किसी मूवी के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ उस वीडियो का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें, ताकि मैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपसे बता सकूं। तो चलते हैं मूवी के अगले मरले की तरफ, जो है प्रोडक्शंस की बात कर लेते हैं हम। हदायतकारी मंसूर खान इब्तदाई तौर पर मेक दस के किरदार के लिए सलमान खान पर गौर कर रहे थे, लेकिन चीज़ों का नतीजा नहीं निकला क्योंकि वो अदाकार को डिपिक्ट कर रहे थे और उन्होंने मुस्तकबिल में किसी लड़ाई झगड़े और करियर की तबाही से बचने के लिए शाहरुख खान पर दस्तखत कर दिए। मंसूर खान ने इंकशाफ किया था कि वो अपनी फिल्म जोश के लिए शाहरुख खान और आमिर खान को साथ लाने के ख्वाह थे, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से इस फिल्म को मुस्तखित कर दिया गया। आमिर खान को बज़ाहरा रोहित शर्मा की किरदार की पेशकश की गई थी। मंसूर खान ने नामा नगारों को बताया आमिर खान शबीहा को तब्दील करना चाहते थे और वो अब प्रेमी लड़के या रोमांटिक हीरो रॉय शर्मा का अदा नहीं करना चाहते थे। मंसूर खान ने इब्तदा में काजल को शेर की डांस अदा करना चाहते थे, लेकिन अदाकार ने इस पेशकश को मुस्तकित कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी और शाहरुख खान की जोड़ी दोबारा बन जाए। फिल्म में माइकल का किरदार अदा करने वाले अदाकार बोनिट वाशर ने इसके बाद ही दावा किया था कि उनके स्क्रिप्ट के साथ साथ अदाकार ऐश्वर्या राय, शेख कपूर और चंद्रचंद सिंह की एक्टिंग रोम में भी कमी कर दी गई थी और वाशर ने दावा किया था कि इसने तकरीबन 50% मनाजा ख़त्म हो गए थे। म्यूज़िक की बात कर लेते हैं। ए आर रहमान को पहले म्यूज़िक कैंपस की हैसियत से साइन इन किया गया था, लेकिन दूसरी फिल्म के साथ शेड्यूल के मुताबिक तनाजात की वजह से उन्होंने इस इंतखाबात को छोड़ दिया है। रहमान ने इंतखाब से दस्तरबादार होने के बाद मंजूर खान और अनु मलिक से मौसीकी के तेज़ रफ्तार मुकम्मल करने और फिल्म को वक्त पर रिलीज़ करने के लिए रवाना हुए। हिंदुस्तान तजारती वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक तकरीबन 18 करोड़ यूनिट फरोख्त होने के बाद फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम साल 2000 सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाला था। ये मेरा दिल गाना पीटर और गैरी के लिखे हुए सील बॉन चहान पर मबनी है और गैप्सिकन ने पेश किया था, दो भी किया गया था। जी गाइस, मैंने आपको इस के बारे में वीडियो के बारे में बताया और म्यूज़िक के प्रोडक्शन की और इसकी कुछ अहम फैक्ट भी बताए कि किस किसको वो कास्ट करना चाहते थे और किसको वो नहीं कर पाए और क्या सोच थी डायरेक्टर की इस मूवी को बनाने के लिए, वो किस किस को इस मूवी में लेना चाहते थे लेकिन किस किस वजूहात से वो नहीं ले पाए। अब इस मूवी में टोटल 8 गाने हैं। अपुन बोला है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, मेरे ख्यालों की मलका, जिंदा है हम
है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, साली रे साली रे। ठीक है, ये समीर अंजुम ने ज़्यादातर इसके गाने सिंग किए थे और इसने जितना बॉक्स ऑफिस पे धमाल डाले थे उसके बारे में आपसे मैं बता चुका हूँ। और मज़ीद आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट पुरानी सी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। और जो दोस्त मेरे चैनल पे पहले से नए हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली, थैंक फॉर सपोर्टिंग मी। आपके ही सपोर्ट से मैं आज यहाँ हूँ और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन। और चलते हैं मज़ीद वीडियो के बारे में और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसकी फैक्ट, मज़ीद अननोन फैक्ट और पब्लिक रिव्यू भी जानते हैं। गणेश जे, रतन जैन और बलोनित सिंह ने प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म 9 जून 2000 को रिलीज हुई थी और इसे मुतहद्दा 7 तख्लीकाकार ने तकसीम किया था। फिल्म के मजमूई तौर पर 35 करोड़ रुपए 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जो हिंदुस्तान में 2000 में सबसे ज़्यादा कमाने वाली पांचवी फिल्म थी। इस फिल्म के 1961 में आने वाले फिल्म साइड स्टूडियो से मुतासर होकर कुछ प्लॉट पॉजिटिव थे। जी गाइस, ये था जोश मूवी के बारे में कुछ खुलासा जो मैंने आपसे पेश किया। और वीडियो के अफेक्ट और रिव्यू को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से वही पुरानी सीख रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। जी गाइस, मैं इसमें आपको वीडियो मूवी तो नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको छोटा सा उसका ट्रेलर बताता हूँ कि आपको पता चल जाए कि कौन सी मूवी है और कौन सी नहीं, क्योंकि ये पुरानी मूवी है, 20 साल पहले की मूवी है। और उसके बारे में मैं आपसे कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ अफेक्ट, कुछ अनोन फैक्ट और कुछ पब्लिक रिव्यू शेयर करता हूँ। तो अगर आपको भी किसी अगर आपको भी किसी वीडियो के बारे में कुछ किसी मूवी के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ उस वीडियो का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें, ताकि मैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपसे बता सकूं। तो चलते हैं मूवी के अगले मरले की तरफ, जो है प्रोडक्शंस की बात कर लेते हैं हम। हदायतकारी मंसूर खान इब्तदाई तौर पर मेक दस के किरदार के लिए सलमान खान पर गौर कर रहे थे, लेकिन चीज़ों का नतीजा नहीं निकला क्योंकि वो अदाकार को डिपिक्ट कर रहे थे और उन्होंने मुस्तकबिल में किसी लड़ाई झगड़े और करियर की तबाही से बचने के लिए शाहरुख खान पर दस्तखत कर दिए। मंसूर खान ने इंकशाफ किया था कि वो अपनी फिल्म जोश के लिए शाहरुख खान और आमिर खान को साथ लाने के हुआ थे, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से इस फिल्म को मुस्तखित कर दिया गया। आमिर खान को बज़ाहरा रोहित शर्मा की किरदार की पेशकश की गई थी। मंसूर खान ने नामा नगारों को बताया आमिर खान शबीहा को तब्दील करना चाहते थे और वो अब प्रेमी लड़के या रोमांटिक हीरो रॉय शर्मा का अदा नहीं करना चाहते थे। मंसूर खान ने इब्तदा में काजल को शेर की डांस अदा करना चाहते थे, लेकिन अदाकार ने इस पेशकश को मुस्तकित कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी और शाहरुख खान की जोड़ी दोबारा बन जाए। फिल्म में माइकल का किरदार अदा करने वाले अदाकार बोनिट वाशर ने इसके बाद ही दावा किया था कि उनके स्क्रिप्ट के साथ साथ अदाकार ऐश्वर्या राय, शेख कपूर और चंद्रचंद सिंह की एक्टिंग रोम में भी कमी कर दी गई थी। और वाशर ने दावा किया था कि इसने तकरीबन 50% मनाजा ख़त्म हो गए थे। म्यूज़िक की बात कर लेते हैं। ए आर रहमान को पहले म्यूज़िक कैंपस की हैसियत से साइन इन किया गया था, लेकिन दूसरी फिल्म के साथ शेड्यूल के मुताबिक तनाजात की वजह से उन्होंने इस इंतखाबात को छोड़ दिया है। रहमान ने इंतखाब से दस्तरबादार होने के बाद मंजूर खान और अनु मलिक से मौसीकी के तेज़ रफ्तार मुकम्मल करने और फिल्म को वक्त पर रिलीज़ करने के लिए
रवाना हुए। हिंदुस्तान तजारती वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक तकरीबन 18 करोड़ यूनिट फरोख्त होने के बाद फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम साल 2000 सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाला था। ये मेरा दिल गाना पीटर और गैरी के लिखे हुए सेल बॉन चहान पर मबनी है और गैप्सिकन ने पेश किया था, दो भी किया गया था। जी गाइस, मैंने आपको इस के बारे में वीडियो के बारे में बताया और म्यूज़िक के प्रोडक्शन के और इसकी कुछ अहम फैक्ट भी बताए कि किस किसको वो कास्ट करना चाहते थे और किसको वो नहीं कर पाए और क्या सोच थी डायरेक्टर की इस मूवी को बनाने के लिए, वो किस किस को इस मूवी में लेना चाहते थे लेकिन किस किस वजूहत से वो नहीं ले पाए। अब इस मूवी में टोटल 8 गाने हैं। अपुन बोला है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, मेरे ख्यालों की मलका, जिंदा है हम तो, है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, सालीरे सालीरे। जी गाइस, ये समीर अंजुम ने ज़्यादातर इसके गाने सिंग किए थे और इसने जितना बॉक्स ऑफिस पे धमाल डाली थी उसके बारे में आपसे मैं बता चुका हूँ। और मज़ीद आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट बुरानी सी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। और जो दोस्त मेरे चैनल पे पहले से नए हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली, थैंक फॉर सपोर्टिंग मी। आपके ही सपोर्ट से मैं आज यहाँ हूँ और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन। और चलते हैं मज़ीद वीडियो के बारे में और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसकी फैक्ट, मज़ीद अननोन फैक्ट और पब्लिक रिव्यू भी जानते हैं। गणेश जे, रतन जैन और बलोनित सिंह ने प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म 9 जून 2000 को रिलीज़ हुई थी और इसे मुतहद्दा 7 तख्लीका खाने तकसीम किया था। फिल्म के मजमूई तौर पर 35 करोड़ रुपए 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जो हिंदुस्तान में 2000 में सबसे ज़्यादा कमाने वाली पांचवी फिल्म थी। इस फिल्म के 1961 में आने वाले फिल्म साइड स्टूडियो से मुतासर होकर कुछ प्लॉट पॉजिटिव थे। जी गाइस, ये था जोश मूवी के बारे में कुछ खुलासा जो मैंने आपसे पेश किया। और वीडियो के अफेक्ट और रिव्यू को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से वही पुरानी सीख रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। जी गाइस, मैं इसमें आपको वीडियो मूवी तो नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको छोटा सा उसका ट्रेलर बताता हूँ कि आपको पता चल जाए कि कौन सी मूवी है और कौन सी नहीं, क्योंकि ये पुरानी मूवी है, 20 साल पहले की मूवी है और उसके बारे में मैं आपसे कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ अफेक्ट, कुछ अनोन फैक्ट और कुछ पब्लिक रिव्यू शेयर करता हूँ। तो अगर आपको भी किसी वीडियो के बारे में कुछ, किसी मूवी के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ उस वीडियो का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें, ताकि मैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपसे बता सकूं। तो चलते हैं मूवी के अगले मरले की तरफ, जो है प्रोडक्शंस की बात कर लेते हैं हम। हदायतकारी मंसूर खान इब्तदाई तौर पर मेक दस के किरदार के लिए सलमान खान पर गौर कर रहे थे, लेकिन चीज़ों का नतीजा नहीं निकला क्योंकि वो अदाकार को डिपिक्ट कर रहे थे और उन्होंने मुस्तकबिल में किसी लड़ाई झगड़े और करियर की तबाही से बचने के लिए शाहरुख खान पर दस्तखत कर दिए। मंसूर खान ने इंकशाफ किया था कि वो अपनी फिल्म जोश के लिए शाहरुख खान और आमिर खान को साथ लाने के वहाँ थे, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से इस फिल्म को मुस्तखित कर दिया गया। आमिर खान को बज़ाहरा रोहित शर्मा की किरदार की पेशकश की गई थी। मंसूर खान ने नामा नगारों को बताया आमिर खान शबीहा को तब्दील करना चाहते थे और वो
अब प्रेमी लड़के या रोमांटिक हीरो रॉय शर्मा का अदा नहीं करना चाहते थे। मंसूर खान इब्तिदा में काजोल को शेर की डांस अदा करना चाहते थे, लेकिन अदाकार ने इस पेशकश को मुस्तकित कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी और शाहरुख खान की जोड़ी दोबारा बन जाए। फिल्म में माइकल का किरदार अदा करने वाले अदाकार बोनीट वाशर ने इसके बाद ही दावा किया था कि उनके स्क्रिप्ट के साथ साथ अदाकार ऐश्वर्या राय, शेख कपूर और चंद्रचंद सिंह की एक्टिंग रोम में भी कमी कर दी गई थी। और वाशर ने दावा किया था कि इसने तकरीबन 50% मनाजा ख़त्म हो गए थे। म्यूज़िक की बात कर लेते हैं। ए आर रहमान को पहले म्यूज़िक कैंपस की हैसियत से साइन इन किया गया था, लेकिन दूसरी फिल्म के साथ शेड्यूल के मुताबिक तनाजात की वजह से उन्होंने इस इंतखाबात को छोड़ दिया है। रहमान ने इंतखाब से दस्तरबादार होने के बाद मंजूर खान और अनु मलिक से मौसीकी के तेज़ रफ्तार मुकम्मल करने और फिल्म को वक्त पर रिलीज़ करने के लिए रवाना हुए। हिंदुस्तान तजारती वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक तकरीबन 18 करोड़ यूनिट फरोख्त होने के बाद फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम साल 2000 सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाला था। ये मेरा दिल गाना पीटर और गैरी के लिखे हुए सेल बॉन चहान पर मबनी है और गैप्सिकन ने पेश किया था, दो भी किया गया था। जी गाइस, मैंने आपको इस के बारे में वीडियो के बारे में बताया और म्यूज़िक के प्रोडक्शन की और इसकी कुछ अहम फैक्ट भी बताए कि किस किसको वो कास्ट करना चाहते थे और किसको वो नहीं कर पाए और क्या सोच थी डायरेक्टर की इस मूवी को बनाने के लिए, वो किस किस को इस मूवी में लेना चाहते थे लेकिन किस किस वजूहत से वो नहीं ले पाए। अब इस मूवी में टोटल 8 गाने हैं। अपुन बोला है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, मेरे ख्यालों की मलका, जिंदा है हम तो, है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, साली रे साली रे। जी गाइस, ये समीर अंजुम ने ज़्यादातर इसके गाने सिंग किए थे और इसने जितना बॉक्स ऑफिस पे धमाल डाली थी उसके बारे में आपसे मैं बता चुका हूँ। और मज़ीद आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट बुरानी सी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। और जो दोस्त मेरे चैनल पे पहले से नए हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली, थैंक फॉर सपोर्टिंग मी। आपके ही सपोर्ट से मैं आज यहाँ हूँ और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन। और चलते हैं मज़ीद वीडियो के बारे में और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसकी फैक्ट, मज़ीद अननोन फैक्ट और पब्लिक रिव्यू भी जानते हैं। गणेश जे, रतन जैन और बलोनित सिंह ने प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म 9 जून 2000 को रिलीज़ हुई थी और इसे मुतहदा 7 तख्लीका ने तकसीम किया था। फिल्म के मजमूई तौर पर 35 करोड़ रुपए 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जो हिंदुस्तान में 2000 में सबसे ज़्यादा कमाने वाली पांचवी फिल्म थी। इस फिल्म के 1961 में आने वाले फिल्म साइड स्टूडियो से मुतासर होकर कुछ प्लॉट पॉजिटिव थे। जी गाइस, ये था जोश मूवी के बारे में कुछ खुलासा जो मैंने आपसे पेश किया। और वीडियो के अफेक्ट और रिव्यू को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से वही पुरानी सीख रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। जी गाइस, मैं इसमें आपको वीडियो मूवी तो नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको छोटा सा उसका ट्रेलर बताता हूँ कि आपको पता चल जाए कि कौन सी मूवी है और कौन सी नहीं, क्योंकि ये पुरानी मूवी है, 20 साल पहले की मूवी है और उसके बारे में मैं आपसे कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ अफेक्ट, कुछ अनोन फैक्ट और कुछ पब्लिक रिव्यू शेयर करता हूँ। तो अगर आपको भी किसी
अगर आपको भी किसी वीडियो के बारे में कुछ किसी मूवी के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ उस वीडियो का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें ताकि मैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपसे बता सकूं। तो चलते हैं मूवी के अगले मरले की तरफ, जो है प्रोडक्शंस की बात कर लेते हैं हम। हदायतकारी मंसूर खान इब्तदाई तौर पर मेक दास के किरदार के लिए सलमान खान पर गौर कर रहे थे, लेकिन चीज़ों का नतीजा नहीं निकला क्योंकि वो अदाकार को डिपिक्ट कर रहे थे और उन्होंने मुस्तकबिल में किसी लड़ाई झगड़े और करियर की तबाही से बचने के लिए शाहरुख खान पर दस्तखत कर दिए। मंसूर खान ने इंकशाफ किया था कि वो अपनी फिल्म जोश के लिए शाहरुख खान और आमिर खान को साथ लाने के हुआ थे, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से इस फिल्म को मुस्तखित कर दिया गया। आमिर खान को बज़ाहरा रोहित शर्मा की किरदार की पेशकश की गई थी। मंसूर खान ने नामा नगारों को बताया आमिर खान शबीहा को तब्दील करना चाहते थे और वो अब प्रेमी लड़के या रोमांटिक हीरो रॉय शर्मा का अदा नहीं करना चाहते थे। मंसूर खान ने इब्तदा में काजल को शेर की डांस अदा करना चाहते थे, लेकिन अदाकार ने इस पेशकश को मुस्तकित कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी और शाहरुख खान की जोड़ी दोबारा बन जाए। फिल्म में माइकल का किरदार अदा करने वाले अदाकार बोनिट वाशर ने इसके बाद ही दावा किया था कि उनके स्क्रिप्ट के साथ साथ अदाकार ऐश्वर्या राय, शेख कपूर और चंद्रचंद सिंह की एक्टिंग रोम में भी कमी कर दी गई थी और वाशर ने दावा किया था कि इसने तकरीबन 50% मनाजा ख़त्म हो गए थे। म्यूज़िक की बात कर लेते हैं। ए आर रहमान को पहले म्यूज़िक कैंपस की हैसियत से साइन इन किया गया था, लेकिन दूसरी फिल्म के साथ शेड्यूल के मुताबिक तनाजात की वजह से उन्होंने इस इंतखाबात को छोड़ दिया है। रहमान ने इंतखाब से दस्तरबादार होने के बाद मंजूर खान और अनु मलिक से मौसीकी के तेज़ रफ्तार मुकम्मल करने और फिल्म को वक्त पर रिलीज़ करने के लिए रवाना हुए। हिंदुस्तान तजारती वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक तकरीबन 18 करोड़ यूनिट फरोख्त होने के बाद फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम साल 2000 सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाला था। ये मेरा दिल गाना पीटर और गैरी के लिखे हुए सील बॉन चहान पर मबनी है और गैप्सिक ने पेश किया था, डोबी किया गया था। जी गाइस, मैंने आपको इस के बारे में वीडियो के बारे में बताया और म्यूज़िक के प्रोडक्शन की और इसकी कुछ अहम फैक्ट भी बताए कि किस किसको वो कास्ट करना चाहते थे और किसको वो नहीं कर पाए और क्या सोच थी डायरेक्टर की इस मूवी को बनाने के लिए, वो किस किस को इस मूवी में लेना चाहते थे लेकिन किस किस वजूहात से वो नहीं ले पाए। अब इस मूवी में टोटल 8 गाने हैं। अपुन बोला है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, मेरे ख्यालों की मलका, जिंदा है हम तो है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, साली रे साली रे। जी गाइस, ये समीर अंजुम ने ज़्यादातर इसके गाने सिंग किए थे और इसने जितना बॉक्स ऑफिस पे धमाल डाली थी उसके बारे में आपसे मैं बता चुका हूँ। और मज़ीद आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट बुरानी सी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। और जो दोस्त मेरे चैनल पे पहले से नए हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली, थैंक फॉर सपोर्टिंग मी। आपके ही सपोर्ट से मैं आज यहाँ हूँ और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन। और चलते हैं मज़ीद वीडियो के बारे में और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसकी फैक्ट, मज़ीद अननोन फैक्ट और पब्लिक रिव्यू भी जानते हैं। गणेश जे, रतन जैन और बलोनित सिंह ने प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म 9 जून 2000 को रिलीज़ हुई थी और इसे मुतहद्दा 7 तख्लीका खाने तकसीम किया था। फिल्म के मजमूई तौर पर 35 करोड़ रुपए 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जो हिंदुस्तान में 2000 में सबसे ज़्यादा कमाने वाली पांचवी फिल्म थी। इस
फिल्म के 1961 में आने वाले फिल्म साइड स्टूडियो से मुतासर होकर कुछ प्लॉट पॉजिटिव थे। जी गाइस, ये था जोश मूवी के बारे में कुछ खुलासा जो मैंने आपसे पेश किया। और वीडियो के अफेक्ट और रिव्यू को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से वही पुरानी सीख रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। जी गाइस, मैं इसमें आपको वीडियो मूवी तो नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको छोटा सा उसका ट्रेलर बताता हूँ कि आपको पता चल जाए कि कौन सी मूवी है और कौन सी नहीं, क्योंकि ये पुरानी मूवी है, 20 साल पहले की मूवी है। और उसके बारे में मैं आपसे कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ इफेक्ट, कुछ अनोन फैक्ट और कुछ पब्लिक रिव्यू शेयर करता हूँ। तो अगर आपको भी किसी अगर आपको भी किसी वीडियो के बारे में कुछ किसी मूवी के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ उस वीडियो का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें, ताकि मैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपसे बता सकूं। तो चलते हैं मूवी के अगले मरले की तरफ, जो है प्रोडक्शंस की बात कर लेते हैं हम। हदायतकारी मंसूर खान इब्तदाई तौर पर मेक दस के किरदार के लिए सलमान खान पर गौर कर रहे थे, लेकिन चीज़ों का नतीजा नहीं निकला क्योंकि वो अदाकार को डिपिक्ट कर रहे थे और उन्होंने मुस्तकबिल में किसी लड़ाई झगड़े और करियर की तबाही से बचने के लिए शाहरुख खान पर दस्तखत कर दिए। मंसूर खान ने इंकशाफ किया था कि वो अपनी फिल्म जोश के लिए शाहरुख खान और आमिर खान को साथ लाने के हुआ थे, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से इस फिल्म को मुस्तखित कर दिया गया। आमिर खान को बज़ाहरा रोहित शर्मा की किरदार की पेशकश की गई थी। मंसूर खान ने नामा नगारों को बताया आमिर खान शबीहा को तब्दील करना चाहते थे और वो अब प्रेमी लड़के या रोमांटिक हीरो रॉय शर्मा का अदा नहीं करना चाहते थे। मंसूर खान ने इब्तदा में काजल को शेर की डांस अदा करना चाहते थे, लेकिन अदाकार ने इस पेशकश को मुस्तकित कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी और शाहरुख खान की जोड़ी दोबारा बन जाए। फिल्म में माइकल का किरदार अदा करने वाले अदाकार बोनिट वाशर ने इसके बाद ही दावा किया था कि उनके स्क्रिप्ट के साथ साथ अदाकार ऐश्वर्या राय, शेख कपूर और चंद्रचंद सिंह की एक्टिंग रोम में भी कमी कर दी गई थी। और वाशर ने दावा किया था कि इसने तकरीबन 50% मनाजा ख़त्म हो गए थे। म्यूज़िक की बात कर लेते हैं। ए आर रहमान को पहले म्यूज़िक कैंपस की हैसियत से साइन इन किया गया था, लेकिन दूसरी फिल्म के साथ शेड्यूल के मुताबिक तनाजात की वजह से उन्होंने इस इंतखाबात को छोड़ दिया है। रहमान ने इंतखाब से दस्तरबादार होने के बाद मंजूर खान और अनु मलिक से मौसीकी के तेज़ रफ्तार मुकम्मल करने और फिल्म को वक्त पर रिलीज़ करने के लिए रवाना हुए। हिंदुस्तान तजारती वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक तकरीबन 18 करोड़ यूनिट फरोख्त होने के बाद फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम साल 2000 सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाला था। ये मेरा दिल गाना पीटर और गैरी के लिखे हुए सील बॉन चहान पर मबनी है और गैप्सिक ने पेश किया था, डोबी किया गया था। जी गाइस, मैंने आपको इस के बारे में वीडियो के बारे में बताया और म्यूज़िक के प्रोडक्शन की और इसकी कुछ अहम फैक्ट भी बताए कि किस किसको वो कास्ट करना चाहते थे और किसको वो नहीं कर पाए और क्या सोच थी डायरेक्टर की इस मूवी को बनाने के लिए, वो किस किस को इस मूवी में लेना चाहते थे लेकिन किस किस वजूहात से वो नहीं ले पाए। अब इस मूवी में टोटल 8 गाने हैं। अपुन बोला है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, मेरे ख्यालों की मलका, जिंदा है हम तो है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, साली रे साली रे। जी गाइस, ये समीर
जम ने ज़्यादातर इसके गाने सिंग किए थे और इसने जितना बॉक्स ऑफिस पे धमाल डाली थी उसके बारे में आपसे मैं बता चुका हूँ। और मैं सीधा आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट बोलानी सी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। और जो दोस्त मेरे चैनल पे पहले से नए हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली, थैंक फॉर सपोर्टिंग मी। आपके ही सपोर्ट से मैं आज यहाँ हूँ और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन। और चलते हैं मजीद वीडियो के बारे में और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसके फैक्ट, मजीद अननोन फैक्ट और पब्लिक रिव्यू भी जानते हैं। गणेश जे, रतन जैन और बलोनित सिंह ने प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म 9 जून 2000 को रिलीज हुई थी और इसे मुतहद्दा 7 तख्लीकाकार ने तकसीम किया था। फिल्म के मजमूई तौर पर 35 करोड़ रुपए 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जो हिंदुस्तान में 2000 में सबसे ज़्यादा कमाने वाली पांचवी फिल्म थी। इस फिल्म के 1961 में आने वाले फिल्म साइड स्टूडियो से मुतासर होकर कुछ प्लॉट पॉजिटिव थे। जी गाइस, ये था जोश मूवी के बारे में कुछ खुलासा जो मैंने आपसे पेश किया। और वीडियो के अफेक्ट और रिव्यू को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से वही पुरानी सीख रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। जी गाइस, मैं इसमें आपको वीडियो मूवी तो नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको छोटा सा उसका ट्रेलर बताता हूँ कि आपको पता चल जाए कि कौन सी मूवी है और कौन सी नहीं, क्योंकि ये पुरानी मूवी है, 20 साल पहले की मूवी है। और उसके बारे में मैं आपसे कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ अफेक्ट, कुछ अनोन फैक्ट और कुछ पब्लिक रिव्यू शेयर करता हूँ। तो अगर आपको भी किसी अगर आपको भी किसी वीडियो के बारे में कुछ किसी मूवी के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ उस वीडियो का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें, ताकि मैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपसे बता सकूं। तो चलते हैं मूवी के अगले मरले की तरफ, जो है प्रोडक्शंस की बात कर लेते हैं हम। हदायतकारी मंसूर खान इब्तदाई तौर पर मेक दस के किरदार के लिए सलमान खान पर गौर कर रहे थे, लेकिन चीज़ों का नतीजा नहीं निकला क्योंकि वो अदाकार को डिपिक्ट कर रहे थे और उन्होंने मुस्तकबिल में किसी लड़ाई झगड़े और करियर की तबाही से बचने के लिए शाहरुख खान पर दस्तखत कर दिए। मंसूर खान ने इंकशाफ किया था कि वो अपनी फिल्म जोश के लिए शाहरुख खान और आमिर खान को साथ लाने के वहाँ थे, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से इस फिल्म को मुस्तखित कर दिया गया। आमिर खान को बज़ाहरा रोहित शर्मा की किरदार की पेशकश की गई थी। मंसूर खान ने नामा नगारों को बताया आमिर खान शबीहा को तब्दील करना चाहते थे और वो अब प्रेमी लड़के या रोमांटिक हीरो रॉय शर्मा का अदा नहीं करना चाहते थे। मंसूर खान ने इब्तदा में काजल को शेर की डांस अदा करना चाहते थे, लेकिन अदाकार ने इस पेशकश को मुस्तकित कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी और शाहरुख खान की जोड़ी दोबारा बन जाए। फिल्म में माइकल का किरदार अदा करने वाले अदाकार बोनिट वाशर ने इसके बाद ही दावा किया था कि उनके स्क्रिप्ट के साथ साथ अदाकार ऐश्वर्या राय, शेख कपूर और चंद्रचंद सिंह की एक्टिंग रोम में भी कमी कर दी गई थी। और वाशर ने दावा किया था कि इसने तकरीबन 50% मनाजा ख़त्म हो गए थे। म्यूज़िक की बात कर लेते हैं। ए आर रहमान को पहले म्यूज़िक कैंपस की हैसियत से साइन इन किया गया था, लेकिन दूसरी फिल्म के साथ शेड्यूल के मुताबिक तनाजात की वजह से उन्होंने इस इंतखाबात को छोड़ दिया है। रहमान ने इंतखाब से दस्तरबादार होने के बाद मंजूर खान और अनु मलिक से मौसीकी के तेज़ रफ्तार मुकम्मल करने और फिल्म को वक्त पर रिलीज़ करने के लिए रवाना हुए। हिंदुस्तान तजारती वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक तकरीबन
18 करोड़ यूनिट फ्रॉक्ट होने के बाद फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम साल 2000 सबसे ज्यादा फ्रॉक्ट होने वाला था। ये मेरा दिल गाना पीटर और गैरी के लिखे हुए सेल बॉन चहान पर मबनी है और गैप्सिकन ने पेश किया था, दो भी किया गया था। जी गाइस, मैंने आपको इस के बारे में, वीडियो के बारे में बताया और म्यूजिक के प्रोडक्शन के और इसकी कुछ अहम फैक्ट भी बताए कि किस किसको वो कास्ट करना चाहते थे और किसको वो नहीं कर पाए और क्या सोच थी डायरेक्टर की इस मूवी को बनाने के लिए, वो किस किस को इस मूवी में लेना चाहते थे लेकिन किस किस वजूहत से वो नहीं ले पाए। अब इस मूवी में टोटल 8 गाने हैं। अपुन बोला है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, मेरे ख्यालों की मलका, जिंदा है हम तो, है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, साली रे साली रे। ठीक है, ये समीर अंजुम ने ज़्यादातर इसके गाने सिंग किए थे और इसने जितना बॉक्स ऑफिस पे धमाल डाली थी उसके बारे में आपसे मैं बता चुका हूँ। और मज़ीद आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट बुरानी सी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। और जो दोस्त मेरे चैनल पे पहले से नए हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली, थैंक फॉर सपोर्टिंग मी, आपके ही सपोर्ट से मैं आज यहाँ हूँ। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन। और चलते हैं मज़ीद वीडियो के बारे में और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसके फैक्ट, मज़ीद अननोन फैक्ट और पब्लिक रिव्यू भी जानते हैं। गणेश जे, रतन जैन और बलोनित सिंह ने प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म 9 जून 2000 को रिलीज़ हुई थी और इसे मुतहद्दा 7 तख्लीका खाने तकसीम किया था। फिल्म के मजमूई तौर पर 35 करोड़ रुपए 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जो हिंदुस्तान में 2000 में सबसे ज़्यादा कमाने वाली पांचवी फिल्म थी। इस फिल्म के 1961 में आने वाले फिल्म साइड स्टूडियो से मुतासर होकर कुछ प्लॉट पॉजिटिव थे। जी गाइस, ये था जोश मूवी के बारे में कुछ खुलासा जो मैंने आपसे पेश किया। और वीडियो के अफेक्ट और रिव्यू को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से वही पुरानी सीख रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। जी गाइस, मैं इसमें आपको वीडियो मूवी तो नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको छोटा सा उसका ट्रेलर बताता हूँ कि आपको पता चल जाए कि कौन सी मूवी है और कौन सी नहीं, क्योंकि ये पुरानी मूवी है, 20 साल पहले की मूवी है और उसके बारे में मैं आपसे कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ इफेक्ट, कुछ अनोन फैक्ट और कुछ पब्लिक रिव्यू शेयर करता हूँ। तो अगर आपको भी किसी वीडियो के बारे में कुछ, किसी मूवी के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ उस वीडियो का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें, ताकि मैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपसे बता सकूं। तो चलते हैं मूवी के अगले मरले की तरफ, जो है प्रोडक्शंस की बात कर लेते हैं हम। हदायतकारी मंसूर खान इब्तदाई तौर पर मेक दस के किरदार के लिए सलमान खान पर गौर कर रहे थे, लेकिन चीज़ों का नतीजा नहीं निकला क्योंकि वो अदाकार को डिपिक्ट कर रहे थे और उन्होंने मुस्तकबिल में किसी लड़ाई झगड़े और करियर की तबाही से बचने के लिए शाहरुख खान पर दस्तखत कर दिए। मंसूर खान ने इंकशाफ किया था कि वो अपनी फिल्म जोश के लिए शाहरुख खान और आमिर खान को साथ लाने के वहाँ थे, लेकिन कुछ वजूहत की वजह से इस फिल्म को मुस्तखित कर दिया गया। आमिर खान को बज़ाहरा रोहित शर्मा की किरदार की पेशकश की गई थी। मंसूर खान ने नामा नगारों को बताया आमिर खान शबीहा को तब्दील करना चाहते थे और वो अब प्रेमी लड़के या रोमांटिक हीरो रॉय शर्मा का अदा नहीं करना चाहते थे। मंसूर खान ने इब्तदा में काजल को शेर की
डांस अदा करना चाहते थे, लेकिन अदाकार ने इस पेशकश को मुस्तकित कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी और वो शाहरुख खान की जोड़ी दोबारा बन जाए। फिल्म में माइकल का किरदार अदा करने वाले अदाकार बोनीट वाशर ने इसके बाद ही दावा किया था कि उनके स्क्रिप्ट के साथ साथ अदाकार ऐश्वर्या राय, शेख कपूर और चंद्रचंद्र सिंह की एक्टिंग रोम में भी कमी कर दी गई थी। और वाशर ने दावा किया था कि इसने तकरीबन 50% मनाजा ख़त्म हो गए थे। म्यूज़िक की बात कर लेते हैं। ए आर रहमान को पहले म्यूज़िक कैंपस की हैसियत से साइन इन किया गया था, लेकिन दूसरी फिल्म के साथ शेड्यूल के मुताबिक तनाजात की वजह से उन्होंने इस इंतखाब बात को छोड़ दिया है। रहमान ने इंतखाब से दस्तरबादार होने के बाद मंजूर खान और अनु मलिक से मौसीकी के तेज़ रफ्तार मुकम्मल करने और फिल्म को वक्त पर रिलीज़ करने के लिए रवाना हुए। हिंदुस्तान तजारती वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक तकरीबन 18 करोड़ यूनिट फरोख्त होने के बाद फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम साल 2000 सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाला था। ये मेरा दिल गाना पीटर और गैरी के लिखे हुए सेल बॉन चहान पर मबनी है और गैप्सिकन ने पेश किया था, दो भी किया गया था। जी गाइस, मैंने आपको इस के बारे में, वीडियो के बारे में बताया और म्यूज़िक के प्रोडक्शन की और इसकी कुछ अहम फैक्ट भी बताए कि किस किसको वो कास्ट करना चाहते थे और किसको वो नहीं कर पाए और क्या सोच थी डायरेक्टर की इस मूवी को बनाने के लिए, वो किस किस को इस मूवी में लेना चाहते थे लेकिन किस किस वजूहत से वो नहीं ले पाए। अब इस मूवी में टोटल 8 गाने हैं। अपुन बोला है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, मेरे ख्यालों की मलका, जिंदा है हम तो, है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, साली रे साली रे। ठीक है, ये समीर अंजुम ने ज़्यादातर इसके गाने सिंग किए थे और इसने जितना बॉक्स ऑफिस पे धमाल डाली थी उसके बारे में आपसे मैं बता चुका हूँ। और मज़ीद आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट बुरानी सी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। और जो दोस्त मेरे चैनल पे पहले से नए हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली, थैंक फॉर सपोर्टिंग मी। आपके ही सपोर्ट से मैं आज यहाँ हूँ और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन। और चलते हैं मज़ीद वीडियो के बारे में और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसकी फैक्ट, मज़ीद अननोन फैक्ट और पब्लिक रिव्यू भी जानते हैं। गणेश जे, रतन जैन और बलोनित सिंह ने प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म 9 जून 2000 को रिलीज़ हुई थी और इसे मुतहदा 7 तख्लीका खाने तकसीम किया था। फिल्म के मजमूई तौर पर 35 करोड़ रुपए 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जो हिंदुस्तान में 2000 में सबसे ज़्यादा कमाने वाली पांचवी फिल्म थी। इस फिल्म के 1961 में आने वाले फिल्म साइड स्टूडियो से मुतासर होकर कुछ प्लॉट पॉजिटिव थे। जी गाइस, ये था जोश मूवी के बारे में कुछ खुलासा जो मैंने आपसे पेश किया। और वीडियो के अफेक्ट और रिव्यू को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से वही पुरानी सीख रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। जी गाइस, मैं इसमें आपको वीडियो मूवी तो नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको छोटा सा उसका ट्रेलर बताता हूँ कि आपको पता चल जाए कि कौन सी मूवी है और कौन सी नहीं, क्योंकि ये पुरानी मूवी है, 20 साल पहले की मूवी है और उसके बारे में मैं आपसे कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ अफेक्ट, कुछ अनोन फैक्ट और कुछ पब्लिक रिव्यू शेयर करता हूँ। तो अगर आपको भी किसी अगर आपको भी किसी वीडियो के बारे में कुछ किसी मूवी के बारे में कुछ नॉलेज
चाहिए तो प्लीज़ उस वीडियो का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें ताकि मैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपसे बता सकूं। तो चलते हैं मूवी के अगले मरले की तरफ, जो है प्रोडक्शंस की बात कर लेते हैं हम। हदायतकारी मंसूर खान इब्तदाई तौर पर मेक दास के किरदार के लिए सलमान खान पर गौर कर रहे थे, लेकिन चीज़ों का नतीजा नहीं निकला क्योंकि वो अदाकार को डिपिक्ट कर रहे थे और उन्होंने मुस्तकबिल में किसी लड़ाई झगड़े और करियर की तबाही से बचने के लिए शाहरुख खान पर दस्तखत कर दिए। मंसूर खान ने इंकशाफ किया था कि वो अपनी फिल्म जोश के लिए शाहरुख खान और आमिर खान को साथ लाने के ख्वाहा थे, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से इस फिल्म को मुस्तखित कर दिया गया। आमिर खान को बज़ाहरा रोहित शर्मा की किरदार की पेशकश की गई थी। मंसूर खान ने नामा नगारों को बताया आमिर खान शबीहा को तब्दील करना चाहते थे और वो अब प्रेमी लड़के या रोमांटिक हीरो रॉय शर्मा का अदा नहीं करना चाहते थे। मंसूर खान ने इब्तदा में काजल को शेर की डांस अदा करना चाहते थे, लेकिन अदाकार ने इस पेशकश को मुस्तकित कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी और शाहरुख खान की जोड़ी दोबारा बन जाए। फिल्म में माइकल का किरदार अदा करने वाले अदाकार बोनिट वाशर ने इसके बाद ही दावा किया था कि उनके स्क्रिप्ट के साथ साथ अदाकार ऐश्वर्या राय, शेख कपूर और चंद्रचंद्र सिंह की एक्टिंग रोम में भी कमी कर दी गई थी और वाशर ने दावा किया था कि इसने तकरीबन 50% मनाजा ख़त्म हो गए थे। म्यूज़िक की बात कर लेते हैं। ए आर रहमान को पहले म्यूज़िक कैंपस की हैसियत से साइन इन किया गया था, लेकिन दूसरी फिल्म के साथ शेड्यूल के मुताबिक तनाजात की वजह से उन्होंने इस इंतखाबात को छोड़ दिया है। रहमान ने इंतखाब से दस्तरबादार होने के बाद मंजूर खान और अनवर मलिक से मौसीकी के तेज़ रफ्तार मुकम्मल करने और फिल्म को वक्त पर रिलीज़ करने के लिए रवाना हुए। हिंदुस्तान तजारती वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक तकरीबन 18 करोड़ यूनिट फरोख्त होने के बाद फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम साल 2000 सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाला था। ये मेरा दिल गाना पीटर और गैरी के लिखे हुए सेल बॉन चहान पर मबनी है और गैप्सिक ने पेश किया था, डोबी किया गया था। जी गाइस, मैंने आपको इस के बारे में वीडियो के बारे में बताया और म्यूज़िक के प्रोडक्शन की और इसकी कुछ अहम फैक्ट भी बताए कि किस किसको वो कास्ट करना चाहते थे और किसको वो नहीं कर पाए और क्या सोच थी डायरेक्टर की इस मूवी को बनाने के लिए, वो किस किस को इस मूवी में लेना चाहते थे लेकिन किस किस वजूहात से वो नहीं ले पाए। अब इस मूवी में टोटल 8 गाने हैं। अपुन बोला है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, मेरे ख्यालों की मलका, जिंदा है हम तो, है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, साली रे साली रे। जी गाइस, ये समीर अंजुम ने ज़्यादातर इसके गाने सिंग किए थे और इसने जितना बॉक्स ऑफिस पे धमाल डाली थी उसके बारे में आपसे मैं बता चुका हूँ। और मज़ीद आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट पुरानी सी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। और जो दोस्त मेरे चैनल पे पहले से नए हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली, थैंक फॉर सपोर्टिंग मी। आपके ही सपोर्ट से मैं आज यहाँ हूँ और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन। और चलते हैं मज़ीद वीडियो के बारे में और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसकी फैक्ट, मज़ीद अननोन फैक्ट और पब्लिक रिव्यू भी जानते हैं। गणेश जे, रतन जैन और बलोनित सिंह ने प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म 9 जून 2000 को रिलीज़ हुई थी और इसे मुतहद्दा 7 तख्लीका खाने तकसीम किया था। फिल्म के मजमूई तौर पर 35 करोड़ रुपए 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जो हिंदुस्तान में 2000 में सबसे ज़्यादा कमाने वाली पांचवी फिल्म थी। इस फिल्म के 1961 में आने वाले फिल्म
साइड स्टूडियो से मुतासर होकर कुछ प्लॉट पॉजिटिव थे। जी गाइस, ये था जोश मूवी के बारे में कुछ खुलासा जो मैंने आपसे पेश किया। और वीडियो के अफेक्ट और रिव्यू को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से वही पुरानी सीख रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। जी गाइस, मैं इसमें आपको वीडियो मूवी तो नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको छोटा सा उसका ट्रेलर बताता हूँ कि आपको पता चल जाए कि कौन सी मूवी है और कौन सी नहीं, क्योंकि ये पुरानी मूवी है, 20 साल पहले की मूवी है और उसके बारे में मैं आपसे कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ अफेक्ट, कुछ अनोन फैक्ट और कुछ पब्लिक रिव्यू शेयर करता हूँ। तो अगर आपको भी किसी अगर आपको भी किसी वीडियो के बारे में कुछ किसी मूवी के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ उस वीडियो का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें, ताकि मैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपसे बता सकूं। तो चलते हैं मूवी के अगले मरले की तरफ, जो है प्रोडक्शंस की बात कर लेते हैं हम। हदायतकारी मंसूर खान इब्तदाई तौर पर मेक दस के किरदार के लिए सलमान खान पर गौर कर रहे थे, लेकिन चीज़ों का नतीजा नहीं निकला क्योंकि वो अदाकार को डिपिक्ट कर रहे थे और उन्होंने मुस्तकबिल में किसी लड़ाई झगड़े और करियर की तबाही से बचने के लिए शाहरुख खान पर दस्तखत कर दिए। मंसूर खान ने इंकशाफ किया था कि वो अपनी फिल्म जोश के लिए शाहरुख खान और आमिर खान को साथ लाने के हुआ थे, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से इस फिल्म को मुस्तखित कर दिया गया। आमिर खान को बज़ाहरा रोहित शर्मा की किरदार की पेशकश की गई थी। मंसूर खान ने नामा नगारों को बताया आमिर खान शबीहा को तब्दील करना चाहते थे और वो अब प्रेमी लड़के या रोमांटिक हीरो रॉय शर्मा का अदा नहीं करना चाहते थे। मंसूर खान ने इब्तदा में काजल को शेर की डांस अदा करना चाहते थे, लेकिन अदाकार ने इस पेशकश को मुस्तकित कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी और शाहरुख खान की जोड़ी दोबारा बन जाए। फिल्म में माइकल का किरदार अदा करने वाले अदाकार बोनिट वाशर ने इसके बाद ही दावा किया था कि उनके स्क्रिप्ट के साथ साथ अदाकार ऐश्वर्या राय, शेख कपूर और चंद्रचंद सिंह की एक्टिंग रोम में भी कमी कर दी गई थी और वाशर ने दावा किया था कि इसने तकरीबन 50% मनाजा ख़त्म हो गए थे। म्यूज़िक की बात कर लेते हैं। ए आर रहमान को पहले म्यूज़िक कैंपस की हैसियत से साइन इन किया गया था, लेकिन दूसरी फिल्म के साथ शेड्यूल के मुताबिक तनाजात की वजह से उन्होंने इस इंतखाब बात को छोड़ दिया है। रहमान ने इंतखाब से दस्तरबादार होने के बाद मंजूर खान और अनु मलिक से मौसीकी के तेज़ रफ्तार मुकम्मल करने और फिल्म को वक्त पर रिलीज़ करने के लिए रवाना हुए। हिंदुस्तान तजारती वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक तकरीबन 18 करोड़ यूनिट फरोख्त होने के बाद फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम साल 2000 सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाला था। ये मेरा दिल गाना पीटर और गैरी के लिखे हुए सील बॉन चहान पर मबनी है और गैप्सिक ने पेश किया था, डोबी किया गया था। जी गाइस, मैंने आपको इस के बारे में वीडियो के बारे में बताया और म्यूज़िक के प्रोडक्शन की और इसकी कुछ अहम फैक्ट भी बताए कि किस किसको वो कास्ट करना चाहते थे और किसको वो नहीं कर पाए और क्या सोच थी डायरेक्टर की इस मूवी को बनाने के लिए, वो किस किस को इस मूवी में लेना चाहते थे लेकिन किस किस वजूहात से वो नहीं ले पाए। अब इस मूवी में टोटल 8 गाने हैं। अपुन बोला है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, मेरे ख्यालों की मलका, जिंदा है हम तो है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, साली रे साली रे। जी गाइस, ये समीर
ड्रम ने ज़्यादातर इसके गाने सिंग किए थे और इसने जितना बॉक्स ऑफिस पे धमाल डाली थी उसके बारे में आपसे मैं बता चुका हूँ। और मैं सीधा आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट बोलानी सी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। और जो दोस्त मेरे चैनल पे पहले से नए हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली, थैंक फॉर सपोर्टिंग मी। आपके ही सपोर्ट से मैं आज यहाँ हूँ और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन। और चलते हैं मजीद वीडियो के बारे में और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसके फैक्ट, मजीद अननोन फैक्ट और पब्लिक रिव्यू भी जानते हैं। गणेश जे, रतन जैन और बलोनित सिंह ने प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म 9 जून 2000 को रिलीज हुई थी और इसे मुतहद्दा 7 तख्लीकाकार ने तकसीम किया था। फिल्म के मजमूई तौर पर 35 करोड़ रुपए 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जो हिंदुस्तान में 2000 में सबसे ज़्यादा कमाने वाली पांचवी फिल्म थी। इस फिल्म के 1961 में आने वाले फिल्म साइड स्टूडियो से मुतासर होकर कुछ प्लॉट पॉजिटिव थे। जी गाइस, ये था जोश मूवी के बारे में कुछ खुलासा जो मैंने आपसे पेश किया। और वीडियो के अफेक्ट और रिव्यू को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से वही पुरानी सीख रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। जी गाइस, मैं इसमें आपको वीडियो मूवी तो नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको छोटा सा उसका ट्रेलर बताता हूँ कि आपको पता चल जाए कि कौन सी मूवी है और कौन सी नहीं, क्योंकि ये पुरानी मूवी है, 20 साल पहले की मूवी है। और उसके बारे में मैं आपसे कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ अफेक्ट, कुछ अनोन फैक्ट और कुछ पब्लिक रिव्यू शेयर करता हूँ। तो अगर आपको भी किसी अगर आपको भी किसी वीडियो के बारे में कुछ किसी मूवी के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ उस वीडियो का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें, ताकि मैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपसे बता सकूं। तो चलते हैं मूवी के अगले मरले की तरफ, जो है प्रोडक्शंस की बात कर लेते हैं हम। हदायतकारी मंसूर खान इब्तदाई तौर पर मेक दस के किरदार के लिए सलमान खान पर गौर कर रहे थे, लेकिन चीज़ों का नतीजा नहीं निकला क्योंकि वो अदाकार को डिपिक्ट कर रहे थे और उन्होंने मुस्तकबिल में किसी लड़ाई झगड़े और करियर की तबाही से बचने के लिए शाहरुख खान पर दस्तखत कर दिए। मंसूर खान ने इंकशाफ किया था कि वो अपनी फिल्म जोश के लिए शाहरुख खान और आमिर खान को साथ लाने के वहाँ थे, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से इस फिल्म को मुस्तखित कर दिया गया। आमिर खान को बज़ाहरा रोहित शर्मा की किरदार की पेशकश की गई थी। मंसूर खान ने नामा नगारों को बताया आमिर खान शबीहा को तब्दील करना चाहते थे और वो अब प्रेमी लड़के या रोमांटिक हीरो रॉय शर्मा का अदा नहीं करना चाहते थे। मंसूर खान ने इब्तदा में काजल को शेर की डांस अदा करना चाहते थे, लेकिन अदाकार ने इस पेशकश को मुस्तकित कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी और शाहरुख खान की जोड़ी दोबारा बन जाए। फिल्म में माइकल का किरदार अदा करने वाले अदाकार बोनिट वाशर ने इसके बाद ही दावा किया था कि उनके स्क्रिप्ट के साथ साथ अदाकार ऐश्वर्या राय, शेख कपूर और चंद्रचंद सिंह की एक्टिंग रोम में भी कमी कर दी गई थी। और वाशर ने दावा किया था कि इसने तकरीबन 50% मनाजा ख़त्म हो गए थे। म्यूज़िक की बात कर लेते हैं। ए आर रहमान को पहले म्यूज़िक कैंपस की हैसियत से साइन इन किया गया था, लेकिन दूसरी फिल्म के साथ शेड्यूल के मुताबिक तनाजात की वजह से उन्होंने इस इंतखाबात को छोड़ दिया है। रहमान ने इंतखाब से दस्तरबादार होने के बाद मंजूर खान और अनु मलिक से मौसीकी के तेज़ रफ्तार मुकम्मल करने और फिल्म को वक्त पर रिलीज़ करने के लिए रवाना हुए। हिंदुस्तान तजारती वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक तकरीबन
18 करोड़ यूनिट फ्रॉक्ट होने के बाद फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम साल 2000 सबसे ज्यादा फ्रॉक्ट होने वाला था। ये मेरा दिल गाना पीटर और गैरी के लिखे हुए सेल बॉन चहान पर मबनी है और गैप्सिकन ने पेश किया था, दो भी किया गया था। जी गाइस, मैंने आपको इस के बारे में, वीडियो के बारे में बताया और म्यूजिक के प्रोडक्शन के और इसकी कुछ अहम फैक्ट भी बताए कि किस किसको वो कास्ट करना चाहते थे और किसको वो नहीं कर पाए और क्या सोच थी डायरेक्टर की इस मूवी को बनाने के लिए, वो किस किस को इस मूवी में लेना चाहते थे लेकिन किस किस वजूहत से वो नहीं ले पाए। अब इस मूवी में टोटल 8 गाने हैं। अपुन बोला है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, मेरे ख्यालों की मलका, जिंदा है हम तो, है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, साली रे साली रे। ठीक है, ये समीर अंजुम ने ज़्यादातर इसके गाने सिंग किए थे और इसने जितना बॉक्स ऑफिस पे धमाल डाली थी उसके बारे में आपसे मैं बता चुका हूँ। और मज़ीद आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट बुरानी सी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। और जो दोस्त मेरे चैनल पे पहले से नए हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली, थैंक फॉर सपोर्टिंग मी, आपके ही सपोर्ट से मैं आज यहाँ हूँ। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन। और चलते हैं मज़ीद वीडियो के बारे में और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसके फैक्ट, मज़ीद अननोन फैक्ट और पब्लिक रिव्यू भी जानते हैं। गणेश जे, रतन जैन और बलोनित सिंह ने प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म 9 जून 2000 को रिलीज़ हुई थी और इसे मुतहद्दा 7 तख्लीका खाने तकसीम किया था। फिल्म के मजमूई तौर पर 35 करोड़ रुपए 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जो हिंदुस्तान में 2000 में सबसे ज़्यादा कमाने वाली 5वीं फिल्म थी। इस फिल्म के 1961 में आने वाले फिल्म साइड स्टूडियो से मुतासर होकर कुछ प्लॉट पॉजिटिव थे। जी गाइस, ये था जोश मूवी के बारे में कुछ खुलासा जो मैंने आपसे पेश किया। और वीडियो के अफेक्ट और रिव्यू को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से वही पुरानी सीख रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। जी गाइस, मैं इसमें आपको वीडियो मूवी तो नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको छोटा सा उसका ट्रेलर बताता हूँ कि आपको पता चल जाए कि कौन सी मूवी है और कौन सी नहीं, क्योंकि ये पुरानी मूवी है, 20 साल पहले की मूवी है और उसके बारे में मैं आपसे कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ अफेक्ट, कुछ अनोन फैक्ट और कुछ पब्लिक रिव्यू शेयर करता हूँ। तो अगर आपको भी किसी वीडियो के बारे में कुछ, किसी मूवी के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ उस वीडियो का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें, ताकि मैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपसे बता सकूं। तो चलते हैं मूवी के अगले मरले की तरफ, जो है प्रोडक्शंस की बात कर लेते हैं हम। हदायतकारी मंसूर खान इब्तदाई तौर पर मेक दस के किरदार के लिए सलमान खान पर गौर कर रहे थे, लेकिन चीज़ों का नतीजा नहीं निकला क्योंकि वो अदाकार को डिपिक्ट कर रहे थे और उन्होंने मुस्तकबिल में किसी लड़ाई झगड़े और करियर की तबाही से बचने के लिए शाहरुख खान पर दस्तखत कर दिए। मंसूर खान ने इंकशाफ किया था कि वो अपनी फिल्म जोश के लिए शाहरुख खान और आमिर खान को साथ लाने के वहाँ थे, लेकिन कुछ वजूहत की वजह से इस फिल्म को मुस्तखित कर दिया गया। आमिर खान को बज़ाहरा रोहित शर्मा की किरदार की पेशकश की गई थी। मंसूर खान ने नामा नगारों को बताया आमिर खान शबीहा को तब्दील करना चाहते थे और वो अब प्रेमी लड़के या रोमांटिक हीरो रॉय शर्मा का अदा नहीं करना चाहते थे। मंसूर खान ने इब्तदा में काजल को शेर की
डांस अदा करना चाहते थे, लेकिन अदाकार ने इस पेशकश को मुस्तकित कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी और वो शाहरुख खान की जोड़ी दोबारा बन जाए। फिल्म में माइकल का किरदार अदा करने वाले अदाकार बोनीट वाशर ने इसके बाद ही दावा किया था कि उनके स्क्रिप्ट के साथ साथ अदाकार ऐश्वर्या राय, शेख कपूर और चंद्रचंद्र सिंह की एक्टिंग रोम में भी कमी कर दी गई थी। और वाशर ने दावा किया था कि इसने तकरीबन 50% मनाजा ख़त्म हो गए थे। म्यूज़िक की बात कर लेते हैं। ए आर रहमान को पहले म्यूज़िक कैंपस की हैसियत से साइन इन किया गया था, लेकिन दूसरी फिल्म के साथ शेड्यूल के मुताबिक तनाजात की वजह से उन्होंने इस इंतखाब बात को छोड़ दिया है। रहमान ने इंतखाब से दस्तरबादार होने के बाद मंजूर खान और अनु मलिक से मौसीकी के तेज़ रफ्तार मुकम्मल करने और फिल्म को वक्त पर रिलीज़ करने के लिए रवाना हुए। हिंदुस्तान तजारती वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक तकरीबन 18 करोड़ यूनिट फरोख्त होने के बाद फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम साल 2000 सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाला था। ये मेरा दिल गाना पीटर और गैरी के लिखे हुए सेल बॉन चहान पर मबनी है और गैप्सिकन ने पेश किया था, दो भी किया गया था। जी गाइस, मैंने आपको इस के बारे में, वीडियो के बारे में बताया और म्यूज़िक के प्रोडक्शन की और इसकी कुछ अहम फैक्ट भी बताए कि किस किसको वो कास्ट करना चाहते थे और किसको वो नहीं कर पाए और क्या सोच थी डायरेक्टर की इस मूवी को बनाने के लिए, वो किस किस को इस मूवी में लेना चाहते थे लेकिन किस किस वजूहत से वो नहीं ले पाए। अब इस मूवी में टोटल 8 गाने हैं। अपुन बोला है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, मेरे ख्यालों की मलका, जिंदा है हम तो, है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, साली रे साली रे। ठीक है, ये समीर अंजुम ने ज़्यादातर इसके गाने सिंग किए थे और इसने जितना बॉक्स ऑफिस पे धमाल डाली थी उसके बारे में आपसे मैं बता चुका हूँ। और मज़ीद आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट बुरानी सी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। और जो दोस्त मेरे चैनल पे पहले से नए हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली, थैंक फॉर सपोर्टिंग मी। आपके ही सपोर्ट से मैं आज यहाँ हूँ और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन। और चलते हैं मज़ीद वीडियो के बारे में और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसकी फैक्ट, मज़ीद अननोन फैक्ट और पब्लिक रिव्यू भी जानते हैं। गणेश जे, रतन जैन और बलोनित सिंह ने प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म 9 जून 2000 को रिलीज़ हुई थी और इसे मुतहदा 7 तख्लीकाकार ने तकसीम किया था। फिल्म के मजमूई तौर पर 35 करोड़ रुपए 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जो हिंदुस्तान में 2000 में सबसे ज़्यादा कमाने वाली पांचवी फिल्म थी। इस फिल्म के 1961 में आने वाले फिल्म साइड स्टूडियो से मुतासर होकर कुछ प्लॉट पॉजिटिव थे। जी गाइस, ये था जोश मूवी के बारे में कुछ खुलासा जो मैंने आपसे पेश किया। और वीडियो के अफेक्ट और रिव्यू को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से वही पुरानी सीख रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। जी गाइस, मैं इसमें आपको वीडियो मूवी तो नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको छोटा सा उसका ट्रेलर बताता हूँ कि आपको पता चल जाए कि कौन सी मूवी है और कौन सी नहीं, क्योंकि ये पुरानी मूवी है, 20 साल पहले की मूवी है और उसके बारे में मैं आपसे कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ अफेक्ट, कुछ अनोन फैक्ट और कुछ पब्लिक रिव्यू शेयर करता हूँ। तो अगर आपको भी किसी
अगर आपको भी किसी वीडियो के बारे में कुछ किसी मूवी के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ उस वीडियो का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें ताकि मैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपसे बता सकूं। तो चलते हैं मूवी के अगले मरले की तरफ, जो है प्रोडक्शंस की बात कर लेते हैं हम। हदायतकारी मंसूर खान इब्तदाई तौर पर मेक दास के किरदार के लिए सलमान खान पर गौर कर रहे थे, लेकिन चीज़ों का नतीजा नहीं निकला क्योंकि वो अदाकार को डिपिक्ट कर रहे थे और उन्होंने मुस्तकबिल में किसी लड़ाई झगड़े और करियर की तबाही से बचने के लिए शाहरुख खान पर दस्तखत कर दिए। मंसूर खान ने इंकशाफ किया था कि वो अपनी फिल्म जोश के लिए शाहरुख खान और आमिर खान को साथ लाने के हुआ थे, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से इस फिल्म को मुस्तखित कर दिया गया। आमिर खान को बज़ाहरा रोहित शर्मा की किरदार की पेशकश की गई थी। मंसूर खान ने नामा नगारों को बताया आमिर खान शबीहा को तब्दील करना चाहते थे और वो अब प्रेमी लड़के या रोमांटिक हीरो रॉय शर्मा का अदा नहीं करना चाहते थे। मंसूर खान ने इब्तदा में काजल को शेर की डांस अदा करना चाहते थे, लेकिन अदाकार ने इस पेशकश को मुस्तकित कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी और शाहरुख खान की जोड़ी दोबारा बन जाए। फिल्म में माइकल का किरदार अदा करने वाले अदाकार बोनिट वाशर ने इसके बाद ही दावा किया था कि उनके स्क्रिप्ट के साथ साथ अदाकार ऐश्वर्या राय, शेख कपूर और चंद्रचंद्र सिंह की एक्टिंग रोम में भी कमी कर दी गई थी और वाशर ने दावा किया था कि इसने तकरीबन 50% मनाजा ख़त्म हो गए थे। म्यूज़िक की बात कर लेते हैं। ए आर रहमान को पहले म्यूज़िक कैंपस की हैसियत से साइन इन किया गया था, लेकिन दूसरी फिल्म के साथ शेड्यूल के मुताबिक तनाजात की वजह से उन्होंने इस इंतखाबात को छोड़ दिया है। रहमान ने इंतखाब से दस्तरबादार होने के बाद मंजूर खान और अनु मलिक से मौसीकी के तेज़ रफ्तार मुकम्मल करने और फिल्म को वक्त पर रिलीज़ करने के लिए रवाना हुए। हिंदुस्तान तजारती वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक तकरीबन 18 करोड़ यूनिट फरोख्त होने के बाद फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम साल 2000 सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाला था। ये मेरा दिल गाना पीटर और गैरी के लिखे हुए सेल बॉन चहान पर मबनी है और गैप्सिक ने पेश किया था, डोबी किया गया था। जी गाइस, मैंने आपको इस के बारे में वीडियो के बारे में बताया और म्यूज़िक के प्रोडक्शन की और इसकी कुछ अहम फैक्ट भी बताए कि किस किसको वो कास्ट करना चाहते थे और किसको वो नहीं कर पाए और क्या सोच थी डायरेक्टर की इस मूवी को बनाने के लिए, वो किस किस को इस मूवी में लेना चाहते थे लेकिन किस किस वजूहात से वो नहीं ले पाए। अब इस मूवी में टोटल 8 गाने हैं। अपुन बोला है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, मेरे ख्यालों की मलका, जिंदा है हम तो, है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, साली रे साली रे। जी गाइस, ये समीर अंजुम ने ज़्यादातर इसके गाने सिंग किए थे और इसने जितना बॉक्स ऑफिस पे धमाल डाली थी उसके बारे में आपसे मैं बता चुका हूँ। और मज़ीद आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट पुरानी सी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। और जो दोस्त मेरे चैनल पे पहले से नए हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली, थैंक फॉर सपोर्टिंग मी। आपके ही सपोर्ट से मैं आज यहाँ हूँ और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन। और चलते हैं मज़ीद वीडियो के बारे में और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसकी फैक्ट, मज़ीद अननोन फैक्ट और पब्लिक रिव्यू भी जानते हैं। गणेश जे, रतन जैन और बलोनित सिंह ने प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म 9 जून 2000 को रिलीज़ हुई थी और इसे मुतहद्दा 7 तख्लीका खाने तकसीम किया था। फिल्म के मजमूई तौर पर 35 करोड़ रुपए 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जो हिंदुस्तान में 2000 में सबसे ज़्यादा कमाने वाली पांचवी फिल्म थी। इस
फिल्म के 1961 में आने वाले फिल्म साइड स्टूडियो से मुतासर होकर कुछ प्लॉट पॉजिटिव थे। जी गाइस, ये था जोश मूवी के बारे में कुछ खुलासा जो मैंने आपसे पेश किया। और वीडियो के अफेक्ट और रिव्यू को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से वही पुरानी सीख रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। जी गाइस, मैं इसमें आपको वीडियो मूवी तो नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको छोटा सा उसका ट्रेलर बताता हूँ कि आपको पता चल जाए कि कौन सी मूवी है और कौन सी नहीं, क्योंकि ये पुरानी मूवी है, 20 साल पहले की मूवी है। और उसके बारे में मैं आपसे कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ इफेक्ट, कुछ अनोन फैक्ट और कुछ पब्लिक रिव्यू शेयर करता हूँ। तो अगर आपको भी किसी अगर आपको भी किसी वीडियो के बारे में कुछ किसी मूवी के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ उस वीडियो का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें, ताकि मैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपसे बता सकूं। तो चलते हैं मूवी के अगले मरले की तरफ, जो है प्रोडक्शंस की बात कर लेते हैं हम। हदायतकारी मंसूर खान इब्तदाई तौर पर मेक दस के किरदार के लिए सलमान खान पर गौर कर रहे थे, लेकिन चीज़ों का नतीजा नहीं निकला क्योंकि वो अदाकार को डिपिक्ट कर रहे थे और उन्होंने मुस्तकबिल में किसी लड़ाई झगड़े और करियर की तबाही से बचने के लिए शाहरुख खान पर दस्तखत कर दिए। मंसूर खान ने इंकशाफ किया था कि वो अपनी फिल्म जोश के लिए शाहरुख खान और आमिर खान को साथ लाने के हुआ थे, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से इस फिल्म को मुस्तखित कर दिया गया। आमिर खान को बज़ाहरा रोहित शर्मा की किरदार की पेशकश की गई थी। मंसूर खान ने नामा नगारों को बताया आमिर खान शबीहा को तब्दील करना चाहते थे और वो अब प्रेमी लड़के या रोमांटिक हीरो रॉय शर्मा का अदा नहीं करना चाहते थे। मंसूर खान ने इब्तदा में काजल को शेर की डांस अदा करना चाहते थे, लेकिन अदाकार ने इस पेशकश को मुस्तकित कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी और शाहरुख खान की जोड़ी दोबारा बन जाए। फिल्म में माइकल का किरदार अदा करने वाले अदाकार बोनिट वाशर ने इसके बाद ही दावा किया था कि उनके स्क्रिप्ट के साथ साथ अदाकार ऐश्वर्या राय, शेख कपूर और चंद्रचंद सिंह की एक्टिंग रोम में भी कमी कर दी गई थी। और वाशर ने दावा किया था कि इसने तकरीबन 50% मनाजा ख़त्म हो गए थे। म्यूज़िक की बात कर लेते हैं। ए आर रहमान को पहले म्यूज़िक कैंपस की हैसियत से साइन इन किया गया था, लेकिन दूसरी फिल्म के साथ शेड्यूल के मुताबिक तनाजात की वजह से उन्होंने इस इंतखाबात को छोड़ दिया है। रहमान ने इंतखाब से दस्तरबादार होने के बाद मंजूर खान और अनु मलिक से मौसीकी के तेज़ रफ्तार मुकम्मल करने और फिल्म को वक्त पर रिलीज़ करने के लिए रवाना हुए। हिंदुस्तान तजारती वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक तकरीबन 18 करोड़ यूनिट फरोख्त होने के बाद फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम साल 2000 सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाला था। ये मेरा दिल गाना पीटर और गैरी के लिखे हुए सील बॉन चहान पर मबनी है और गैप्सिक ने पेश किया था, डोबी किया गया था। जी गाइस, मैंने आपको इस के बारे में वीडियो के बारे में बताया और म्यूज़िक के प्रोडक्शन की और इसकी कुछ अहम फैक्ट भी बताए कि किस किसको वो कास्ट करना चाहते थे और किसको वो नहीं कर पाए और क्या सोच थी डायरेक्टर की इस मूवी को बनाने के लिए, वो किस किस को इस मूवी में लेना चाहते थे लेकिन किस किस वजूहात से वो नहीं ले पाए। अब इस मूवी में टोटल 8 गाने हैं। अपुन बोला है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, मेरे ख्यालों की मलका, जिंदा है हम तो है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, सालीरे सालीरे। जी गाइस, ये समीर
ड्रम ने ज़्यादातर इसके गाने सिंग किए थे और इसने जितना बॉक्स ऑफिस पे धमाल डाली थी उसके बारे में आपसे मैं बता चुका हूँ। और मैं सीधा आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट पुरानी सी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। और जो दोस्त मेरे चैनल पे पहले से नए हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली, थैंक फॉर सपोर्टिंग मी। आपके ही सपोर्ट से मैं आज यहाँ हूँ और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन। और चलते हैं मजीद वीडियो के बारे में और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसकी फैक्ट, मजीद अननोन फैक्ट और पब्लिक रिव्यू भी जानते हैं। गणेश जे, रतन जैन और बलोनित सिंह ने प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म 9 जून 2000 को रिलीज हुई थी और इसे मुतहद्दा 7 तख्लीकाने तकसीम किया था। फिल्म के मजमूई तौर पर 35 करोड़ रुपए 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जो हिंदुस्तान में 2000 में सबसे ज़्यादा कमाने वाली पांचवी फिल्म थी। इस फिल्म के 1961 में आने वाले फिल्म साइड स्टूडियो से मुतासर होकर कुछ प्लॉट पॉजिटिव थे। जी गाइस, ये था जोश मूवी के बारे में कुछ खुलासा जो मैंने आपसे पेश किया। और वीडियो के अफेक्ट और रिव्यू को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से वही पुरानी सीख रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। जी गाइस, मैं इसमें आपको वीडियो मूवी तो नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको छोटा सा उसका ट्रेलर बताता हूँ कि आपको पता चल जाए कि कौन सी मूवी है और कौन सी नहीं, क्योंकि ये पुरानी मूवी है, 20 साल पहले की मूवी है। और उसके बारे में मैं आपसे कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ अफेक्ट, कुछ अनोन फैक्ट और कुछ पब्लिक रिव्यू शेयर करता हूँ। तो अगर आपको भी किसी अगर आपको भी किसी वीडियो के बारे में कुछ किसी मूवी के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ उस वीडियो का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें, ताकि मैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपसे बता सकूं। तो चलते हैं मूवी के अगले मरले की तरफ, जो है प्रोडक्शंस की बात कर लेते हैं हम। हदायतकारी मंसूर खान इब्तदाई तौर पर मेक दस के किरदार के लिए सलमान खान पर गौर कर रहे थे, लेकिन चीज़ों का नतीजा नहीं निकला क्योंकि वो अदाकार को डिपिक्ट कर रहे थे और उन्होंने मुस्तकबिल में किसी लड़ाई झगड़े और करियर की तबाही से बचने के लिए शाहरुख खान पर दस्तखत कर दिए। मंसूर खान ने इंकशाफ किया था कि वो अपनी फिल्म जोश के लिए शाहरुख खान और आमिर खान को साथ लाने के वहाँ थे, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से इस फिल्म को मुस्तखित कर दिया गया। आमिर खान को बज़ाहरा रोहित शर्मा की किरदार की पेशकश की गई थी। मंसूर खान ने नामा नगारों को बताया आमिर खान शबीहा को तब्दील करना चाहते थे और वो अब प्रेमी लड़के या रोमांटिक हीरो रॉय शर्मा का अदा नहीं करना चाहते थे। मंसूर खान ने इब्तदा में काजल को शेर की डांस अदा करना चाहते थे, लेकिन अदाकार ने इस पेशकश को मुस्तकित कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी और शाहरुख खान की जोड़ी दोबारा बन जाए। फिल्म में माइकल का किरदार अदा करने वाले अदाकार बोनिट वाशर ने इसके बाद ही दावा किया था कि उनके स्क्रिप्ट के साथ साथ अदाकार ऐश्वर्या राय, शेख कपूर और चंद्रचंद सिंह की एक्टिंग रोम में भी कमी कर दी गई थी। और वाशर ने दावा किया था कि इसने तकरीबन 50% मनाजा ख़त्म हो गए थे। म्यूज़िक की बात कर लेते हैं। ए आर रहमान को पहले म्यूज़िक कैंपस की हैसियत से साइन इन किया गया था, लेकिन दूसरी फिल्म के साथ शेड्यूल के मुताबिक तनाजात की वजह से उन्होंने इस इंतखाबात को छोड़ दिया है। रहमान ने इंतखाब से दस्तरबादार होने के बाद मंजूर खान और अनु मलिक से मौसीकी के तेज़ रफ्तार मुकम्मल करने और फिल्म को वक्त पर रिलीज़ करने के लिए रवाना हुए। हिंदुस्तान तजारती वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक तकरीबन
18 करोड़ यूनिट फरोख्त होने के बाद फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम साल 2000 सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला था। ये मेरा दिल गाना पीटर और गैरी के लिखे हुए सेल बॉन चहान पर मबनी है और गैप्सिकन ने पेश किया था, दो भी किया गया था। जी गाइस, मैंने आपको इस के बारे में, वीडियो के बारे में बताया और म्यूजिक के प्रोडक्शन के और इसकी कुछ अहम फैक्ट भी बताए कि किस किसको वो कास्ट करना चाहते थे और किसको वो नहीं कर पाए और क्या सोच थी डायरेक्टर की इस मूवी को बनाने के लिए, वो किस किस को इस मूवी में लेना चाहते थे लेकिन किस किस वजूहत से वो नहीं ले पाए। अब इस मूवी में टोटल 8 गाने हैं। अपुन बोला है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, मेरे ख्यालों की मलका, जिंदा है हम तो, है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, साली रे साली रे। ठीक है, ये समीर अंजुम ने ज़्यादातर इसके गाने सिंग किए थे और इसने जितना बॉक्स ऑफिस पे धमाल डाली थी उसके बारे में आपसे मैं बता चुका हूँ। और मज़ीद आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट बुरानी सी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। और जो दोस्त मेरे चैनल पे पहले से नए हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली, थैंक फॉर सपोर्टिंग मी, आपके ही सपोर्ट से मैं आज यहाँ हूँ। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन। और चलते हैं मज़ीद वीडियो के बारे में और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसकी फैक्ट, मज़ीद अननोन फैक्ट और पब्लिक रिव्यू भी जानते हैं। गणेश जे, रतन जैन और बलोनित सिंह ने प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म 9 जून 2000 को रिलीज़ हुई थी और इसे मुतहद्दा 7 तख्लीका खाने तकसीम किया था। फिल्म के मजमूई तौर पर 35 करोड़ रुपए 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जो हिंदुस्तान में 2000 में सबसे ज़्यादा कमाने वाली पांचवी फिल्म थी। इस फिल्म के 1961 में आने वाले फिल्म साइड स्टूडियो से मुतासर होकर कुछ प्लॉट पॉजिटिव थे। जी गाइस, ये था जोश मूवी के बारे में कुछ खुलासा जो मैंने आपसे पेश किया। और वीडियो के अफेक्ट और रिव्यू को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से वही पुरानी सीख रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। जी गाइस, मैं इसमें आपको वीडियो मूवी तो नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको छोटा सा उसका ट्रेलर बताता हूँ कि आपको पता चल जाए कि कौन सी मूवी है और कौन सी नहीं, क्योंकि ये पुरानी मूवी है, 20 साल पहले की मूवी है और उसके बारे में मैं आपसे कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ अफेक्ट, कुछ अनोन फैक्ट और कुछ पब्लिक रिव्यू शेयर करता हूँ। तो अगर आपको भी किसी अगर आपको भी किसी वीडियो के बारे में कुछ किसी मूवी के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ उस वीडियो का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें, ताकि मैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपसे बता सकूं। तो चलते हैं मूवी के अगले मरले की तरफ, जो है प्रोडक्शंस की बात कर लेते हैं हम। हदायतकारी मंसूर खान इब्तदाई तौर पर मेक दस के किरदार के लिए सलमान खान पर गौर कर रहे थे, लेकिन चीज़ों का नतीजा नहीं निकला क्योंकि वो अदाकार को डिपिक्ट कर रहे थे और उन्होंने मुस्तकबिल में किसी लड़ाई झगड़े और करियर की तबाही से बचने के लिए शाहरुख खान पर दस्तखत कर दिए। मंसूर खान ने इंकशाफ किया था कि वो अपनी फिल्म जोश के लिए शाहरुख खान और आमिर खान को साथ लाने के वहाँ थे, लेकिन कुछ वजूहत की वजह से इस फिल्म को मुस्तखित कर दिया गया। आमिर खान को बज़ाहरा रोहित शर्मा की किरदार की पेशकश की गई थी। मंसूर खान ने नामा नगारों को बताया आमिर खान शबीहा को तब्दील करना चाहते थे और वो अब प्रेमी लड़के या रोमांटिक हीरो रॉय शर्मा का अदा नहीं करना चाहते थे। मंसूर खान ने इब्तदा में काजल को शेर की
डांस अदा करना चाहते थे, लेकिन अदाकार ने इस पेशकश को मुस्तकित कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी और वो शाहरुख खान की जोड़ी दोबारा बन जाए। फिल्म में माइकल का किरदार अदा करने वाले अदाकार बोनीट वाशर ने इसके बाद ही दावा किया था कि उनके स्क्रिप्ट के साथ साथ अदाकार ऐश्वर्या राय, शेख कपूर और चंद्रचंद्र सिंह की एक्टिंग रोम में भी कमी कर दी गई थी। और वाशर ने दावा किया था कि इसने तकरीबन 50% मनाजा ख़त्म हो गए थे। म्यूज़िक की बात कर लेते हैं। ए आर रहमान को पहले म्यूज़िक कैंपस की हैसियत से साइन इन किया गया था, लेकिन दूसरी फिल्म के साथ शेड्यूल के मुताबिक तनाजात की वजह से उन्होंने इस इंतखाब बात को छोड़ दिया है। रहमान ने इंतखाब से दस्तरबादार होने के बाद मंजूर खान और अनु मलिक से मौसीकी के तेज़ रफ्तार मुकम्मल करने और फिल्म को वक्त पर रिलीज़ करने के लिए रवाना हुए। हिंदुस्तान तजारती वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक तकरीबन 18 करोड़ यूनिट फरोख्त होने के बाद फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम साल 2000 सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाला था। ये मेरा दिल गाना पीटर और गैरी के लिखे हुए सेल बॉन चहान पर मबनी है और गैप्सिकन ने पेश किया था, दो भी किया गया था। जी गाइस, मैंने आपको इस के बारे में वीडियो के बारे में बताया और म्यूज़िक के प्रोडक्शन की और इसकी कुछ अहम फैक्ट भी बताए कि किस किसको वो कास्ट करना चाहते थे और किसको वो नहीं कर पाए और क्या सोच थी डायरेक्टर की इस मूवी को बनाने के लिए, वो किस किस को इस मूवी में लेना चाहते थे लेकिन किस किस वजूहत से वो नहीं ले पाए। अब इस मूवी में टोटल 8 गाने हैं। अपुन बोला है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, मेरे ख्यालों की मलका, जिंदा है हम तो, है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, साली रे साली रे। जी गाइस, ये समीर अंजुम ने ज़्यादातर इसके गाने सिंग किए थे और इसने जितना बॉक्स ऑफिस पे धमाल डाली थी उसके बारे में आपसे मैं बता चुका हूँ। और मज़ीद आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट बुरानी सी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। और जो दोस्त मेरे चैनल पे पहले से नए हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली, थैंक फॉर सपोर्टिंग मी। आपके ही सपोर्ट से मैं आज यहाँ हूँ और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन। और चलते हैं मज़ीद वीडियो के बारे में और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसकी फैक्ट, मज़ीद अननोन फैक्ट और पब्लिक रिव्यू भी जानते हैं। गणेश जे, रतन जैन और बलोनित सिंह ने प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म 9 जून 2000 को रिलीज़ हुई थी और इसे मुतहदा 7 तख्लीका खाने तकसीम किया था। फिल्म के मजमूई तौर पर 35 करोड़ रुपए 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जो हिंदुस्तान में 2000 में सबसे ज़्यादा कमाने वाली पांचवी फिल्म थी। इस फिल्म के 1961 में आने वाले फिल्म साइड स्टूडियो से मुतासर होकर कुछ प्लॉट पॉजिटिव थे। जी गाइस, ये था जोश मूवी के बारे में कुछ खुलासा जो मैंने आपसे पेश किया। और वीडियो के अफेक्ट और रिव्यू को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से वही पुरानी सीख रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। जी गाइस, मैं इसमें आपको वीडियो मूवी तो नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको छोटा सा उसका ट्रेलर बताता हूँ कि आपको पता चल जाए कि कौन सी मूवी है और कौन सी नहीं, क्योंकि ये पुरानी मूवी है, 20 साल पहले की मूवी है और उसके बारे में मैं आपसे कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ अफेक्ट, कुछ अनोन फैक्ट और कुछ पब्लिक रिव्यू शेयर करता हूँ। तो अगर आपको भी किसी
अगर आपको भी किसी वीडियो के बारे में कुछ किसी मूवी के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ उस वीडियो का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें ताकि मैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपसे बता सकूं। तो चलते हैं मूवी के अगले मरले की तरफ, जो है प्रोडक्शंस की बात कर लेते हैं हम। हदायतकारी मंसूर खान इब्तदाई तौर पर मेक दस के किरदार के लिए सलमान खान पर गौर कर रहे थे, लेकिन चीज़ों का नतीजा नहीं निकला क्योंकि वो अदाकार को डिपिक्ट कर रहे थे और उन्होंने मुस्तकबिल में किसी लड़ाई झगड़े और करियर की तबाही से बचने के लिए शाहरुख खान पर दस्तखत कर दिए। मंसूर खान ने इंकशाफ किया था कि वो अपनी फिल्म जोश के लिए शाहरुख खान और आमिर खान को साथ लाने के हुआ थे, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से इस फिल्म को मुस्तखित कर दिया गया। आमिर खान को बज़ाहरा रोहित शर्मा की किरदार की पेशकश की गई थी। मंसूर खान ने नामा नगारों को बताया आमिर खान शबीहा को तब्दील करना चाहते थे और वो अब प्रेमी लड़के या रोमांटिक हीरो रॉय शर्मा का अदा नहीं करना चाहते थे। मंसूर खान ने इब्तदा में काजल को शेर की डांस अदा करना चाहते थे, लेकिन अदाकार ने इस पेशकश को मुस्तकित कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी और शाहरुख खान की जोड़ी दोबारा बन जाए। फिल्म में माइकल का किरदार अदा करने वाले अदाकार बोनिट वाशर ने इसके बाद ही दावा किया था कि उनके स्क्रिप्ट के साथ साथ अदाकार ऐश्वर्या राय, शेख कपूर और चंद्रचंद सिंह की एक्टिंग रोम में भी कमी कर दी गई थी और वाशर ने दावा किया था कि इसने तकरीबन 50% मनाजा ख़त्म हो गए थे। म्यूज़िक की बात कर लेते हैं। ए आर रहमान को पहले म्यूज़िक कैंपस की हैसियत से साइन इन किया गया था, लेकिन दूसरी फिल्म के साथ शेड्यूल के मुताबिक तनाजात की वजह से उन्होंने इस इंतखाबात को छोड़ दिया है। रहमान ने इंतखाब से दस्तरबादार होने के बाद मंजूर खान और अनु मलिक से मौसीकी के तेज़ रफ्तार मुकम्मल करने और फिल्म को वक्त पर रिलीज़ करने के लिए रवाना हुए। हिंदुस्तान तजारती वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक तकरीबन 18 करोड़ यूनिट फरोख्त होने के बाद फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम साल 2000 सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाला था। ये मेरा दिल गाना पीटर और गैरी के लिखे हुए सील बॉन चहान पर मबनी है और गैप्सिक ने पेश किया था, दो भी किया गया था। जी गाइस, मैंने आपको इस के बारे में वीडियो के बारे में बताया और म्यूज़िक के प्रोडक्शन की और इसकी कुछ अहम फैक्ट भी बताए कि किस किसको वो कास्ट करना चाहते थे और किसको वो नहीं कर पाए और क्या सोच थी डायरेक्टर की इस मूवी को बनाने के लिए, वो किस किस को इस मूवी में लेना चाहते थे लेकिन किस किस वजूहात से वो नहीं ले पाए। अब इस मूवी में टोटल 8 गाने हैं। अपुन बोला है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, मेरे ख्यालों की मलका, जिंदा है हम तो है मेरा दिल, हम तो दिल से हारे, साली रे साली रे। जी गाइस, ये समीर अंजुम ने ज़्यादातर इसके गाने सिंग किए थे और इसने जितना बॉक्स ऑफिस पे धमाल डाली थी उसके बारे में आपसे मैं बता चुका हूँ। और मज़ीद आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट पुरानी सी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। और जो दोस्त मेरे चैनल पे पहले से नए हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली, थैंक फॉर सपोर्टिंग मी। आपके ही सपोर्ट से मैं आज यहाँ हूँ और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन। और चलते हैं मज़ीद वीडियो के बारे में और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसकी फैक्ट, मज़ीद अननोन फैक्ट और पब्लिक रिव्यू भी जानते हैं। गणेश जे, रतन जैन और बलोनित सिंह ने प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म 9 जून 2000 को रिलीज़ हुई थी और इसे मुतहद्दा 7 तख्लीकाकार ने तकसीम किया था। फिल्म के मजमूई तौर पर 35 करोड़ रुपए 2.6 मिलियन अमरीकी डॉलर की कमाई की।
जो हिंदुस्तान में 2000 में सबसे ज्यादा कमाने वाली पांचवी फिल्म थी। इस फिल्म के 1961 में आने वाले फिल्म साइड स्टूडियो से मुतासर होकर कुछ प्लॉट पॉजिटिव थे। जी गाइस, ये था जोश मूवी के बारे में कुछ खुलासा जो मैंने आपसे पेश किया। और वीडियो की इफेक्ट और रिव्यू को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से वही पुरानी सीख रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। जी गाइस, मैं इसमें आपको वीडियो और मूवी तो नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको छोटा सा उसका ट्रेलर बताता हूँ कि आपको पता चल जाए कि कौन सी मूवी है और कौन सी नहीं, क्योंकि ये पुरानी मूवी है, 20 साल पहले की मूवी है और उसके बारे में मैं आपसे कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ इफेक्ट, कुछ अनोन फैक्ट और कुछ पब्लिक रिव्यू शेयर करता हूँ। तो अगर आपको भी किसी अगर आपको भी किसी वीडियो के बारे में कुछ किसी मूवी के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ उस वीडियो का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें, ताकि मैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपसे बता सकूं। तो चलते हैं मूवी के अगले मरले की तरफ, जो है प्रोडक्शंस की बात कर लेते हैं हम। हदायतकारी मंसूर खान इब्तदाई तौर पर मेक दस के किरदार के लिए सलमान खान पर गौर कर रहे थे, लेकिन चीज़ों का नतीजा नहीं निकला क्योंकि वो अदाकार को डिपिक्ट कर रहे थे और उन्होंने मुस्तकबिल में किसी लड़ाई झगड़े और करियर की तबाही से बचने के लिए शाहरुख खान पर दस्तखत कर दिए। मंसूर खान ने इंकशाफ किया था कि वो अपनी फिल्म जोश के लिए शाहरुख खान और आमिर खान को साथ लाने के हुआ थे, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से इस फिल्म को मुस्तखित कर दिया गया। आमिर खान को बज़ाहरा रोहित शर्मा की किरदार की पेशकश की गई थी। मंसूर खान ने नामा नगारों को बताया आमिर खान शबीहा को तब्दील करना चाहते थे और वो अब प्रेमी लड़के या रोमांटिक हीरो रॉय शर्मा का अदा नहीं करना चाहते थे। मंसूर खान ने इब्तदा में काजल को शेर की डांस अदा करना चाहते थे, लेकिन अदाकार ने इस पेशकश को मुस्तकित कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी और शाहरुख खान की जोड़ी दोबारा बन जाए। फिल्म में माइकल का किरदार अदा करने वाले अदाकार बोनिट वाशर ने इसके बाद ही दावा किया था कि उनके स्क्रिप्ट के साथ साथ अदाकार ऐश्वर्या राय, शेख कपूर और चंद्रचंद सिंह की एक्टिंग रोम में भी कमी कर दी गई थी और वाशर ने दावा किया था कि इसने तकरीबन 50% मनाजा ख़त्म हो गए थे। म्यूज़िक की बात कर लेते हैं। ए आर रहमान को पहले म्यूज़िक कैंपस की हैसियत से साइन इन किया गया था, लेकिन दूसरी फिल्म के साथ शेड्यूल के मुताबिक तनाजात की वजह से उन्होंने इस इंतखाब बात को छोड़ दिया है। रहमान ने इंतखाब से दस्तरबार